उसका चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री शिखर स्वामी ने कामंतक नीतिसार लिखा है। शिखर ने लिखा है ना एक नीतिसार, कामंतक नीतिसार, और इस कामंतक नीतिसार पे शंकर आर्य ने टीका लिखी है। शंकर आर्य वो व्यक्ति है जिसने बाण की हर्षचरित पे भी टीका लिखी है। तो ये लाइन लिख दो एक, शंकर आर्य ने, हाँ इसी में, शंकर आर्य ने कामंतक नीतिसार पर टीका लिखी। तो वेताल भट्टी ने क्या लिखा, रावण वध अथवा, और विक्रम बेताल की कहानियां प्रसिद्ध हैं, ये सिंहासन बत्तीसी। फिर लिखो वेताल भट्टी, वेताल भट्टी। हाँ नेक्स्ट, किताबें लिख रहे हैं ना, वेताल भट्टी इसने मतलब देश लगा के लिख दो ना, रावण वध अथवा भट्टी काव्य। वेताल भट्टी ने क्या लिखा, रावण वध अथवा भट्टी काव्य। लिख दिया वेताल भट्टी ने रावण वध अथवा भट्टी काव्य। नीचे लिखो वेताल भट्टी की कहानियां, वेताल भट्टी की कहानियां विक्रम बेताल के, वेताल भट्टी की कहानियां सिंहासन बत्तीसी के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। लिख दिया, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र, और पंचतंत्र के पांच भाग हैं। पंचतंत्र की रचना राजा अमर कीर्ति के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए हुई। विष्णु शर्मा, लिखो विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। पंचतंत्र में लिखो राजा अमर कीर्ति के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, राजा अमर कीर्ति के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा जिसमें जंगली जानवरों की कहानियों के माध्यम से राजनीति का संदेश दिया गया है।
राजनीति का संदेश दिया गया है। इसके पांच भाग हैं। इसके पांच भाग हैं, लिख दो पांच नाम। मित्र लाभ, मित्र भेद, मित्र लाभ, मित्र भेद, ये रहा ना, मित्र लाभ, मित्र भेद। तीसरा है लब्ध प्रमाण, मित्र लाभ, मित्र भेद, लब्ध प्रमाण, संधि विग्रहक, अपरिचित कारक। मित्र लाभ, मित्र भेद, लब्ध प्रमाण, संधि विग्रहक, अपरिचित कारक। लिख दिया। पंचतंत्र की शैली में ही कवि नारायण ने हितोपदेश लिखा। बंगाल के थे, इन्होंने क्या लिखा? हितोपदेश। लिखो नेक्स्ट, कवि नारायण, कवि नारायण, उसमें लिखो हितोपदेश। कवि नारायण में लिखो हितोपदेश। कवि नारायण लिख दिया, उसके आगे लिखो हितोपदेश। इन्होंने पंचतंत्र की शैली में इसकी रचना की। पंचतंत्र की शैली में हितोपदेश लिखा। ठीक है, फिर लिखो सुबंधु, सुबंधु, सुबंधु। इसने लिखा वासुदत्ता। सुबंधु ने लिखा वासुदत्ता। फिर लिखो चंद्र गोबिंद, चंद्र गोबिंद, चंद्र गोबिंद। इन्होंने लिखा चंद्रकोश व्याकरण। चंद्रकोश व्याकरण यह बंगाली व्याकरण है। यह बंगाली व्याकरण है। कितने हो गए ये? अभी आठ ही हुए क्या? विशाख दत्त है ना, थोड़ी लिखा है ये अभी। एक तो इसने लिखा मुद्रा राक्षस, इस पे विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये नवीं शताब्दी में लिखा गया था, कुछ लोग मानते हैं कि ये गुप्त काल में लिखा गया था। तो मुद्रा राक्षस पे धुंडीराज ने टीका लिखी, टीकाएं ज्यादा फेमस हो जाती हैं कई बार। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस में किसका उल्लेख है? और ये ग्रंथ नायिका भी नहीं, हीरोइन नहीं है इसमें, है ना, मतलब साउथ की मूवी है ये। और ये भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। मुद्रा राक्षस को भारत का पहला जासूसी ग्रंथ मानते हैं। अच्छा, इन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा देवी चंद्रगुप्तम।
तो देवी चंद्रगुप्तम आज मौजूद नहीं है वर्तमान में। देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने अपनी जो दिग्विजय नीति अपनाई उसमें एक नीति थी कन्योपायन, यानी पराजित पक्ष अपने राजकुल की कन्याओं का विवाह गुप्त राजकुल में कर देगा। तो उस पक्ष की राजकुमारी थी ध्रुवस्वामिनी, कहीं कहीं इसका नाम ध्रुव देवी भी मिलता है, ठीक है। अब ये जब पाटलिपुत्र पहुंची तो समुद्रगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, तो समुद्रगुप्त ध्रुव देवी की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय से करना चाहता था, लेकिन बड़ा बेटा कौन है? समुद्रगुप्त चाहता भी ये था कि राजा कौन बने, लेकिन ये बड़ा था तो राजा ये बन गया। अब राजा ये बन गया तो ध्रुव देवी किसकी हो गई? रामगुप्त की हो गई, ठीक है। तो फिर ये रामगुप्त के ऊपर, रामगुप्त को लगा कि मेरे पिताजी ने जैसे दिग्विजय किया वैसे मैं भी दिग्विजय करता हूं, तो ये दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। कमजोर तो था ही ये खुद, लेकिन इसको अहंकार बहुत था। तो जिस जगह ये रुका हुआ था, शकों को सूचना मिल गई कि रामगुप्त सामने से मरने के लिए आ गए हैं, तो शक राजा पहुंच गया वहां पे और रामगुप्त का शिविर घेर लिया। रामगुप्त ने एक बढ़िया काम क्या किया, चंद्रगुप्त को बंदी बना रखा था, तो शक राजा ने ये शर्त भेजी कि मैं वापस चला जाऊंगा, ध्रुव स्वामिनी मुझे चाहिए और मेरे सामंतों को भी तेरे सामंतों की सारी पत्नियां चाहिए, है ना। तो रामगुप्त ने दरबार बुलाया और रामगुप्त को लगा कि उचित अवसर है ध्रुव स्वामिनी को सजा देने का, और इसने दरबार में घोषणा की कि राज्य की रक्षा के लिए नागरिकों को अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, और रही बात महारानी की तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, क्या दिक्कत है। ध्रुव स्वामिनी ने खूब रिक्वेस्ट की, लेकिन इसने कहा नहीं, राज्य जरूरी है। तो जब ध्रुव स्वामिनी को वहां भेज रहे थे तो चंद्रगुप्त आया, है ना। उसने कहा कि मैं एक योजना बताता हूं, अगर उसे तुम अपनाओ दो, कि मैं ध्रुव स्वामिनी के बेस में और सामंतों की सभी पत्नियां जाएंगी, तो उनके बेस में सैनिक जाएंगे, कि ध्रुव स्वामिनी की वो भी साथ जाएगी, तो दो ध्रुव स्वामिनियां और सामंतों की पत्नियों के रूप में सैनिक शक राजा के शिविर में पहुंच गए, और शक राजा को इन्होंने संदेश भिजवाया कि हम अकेले में मिलेंगे उससे। अब जब शक राजा अकेले में इनसे मिला तो वहां दो ध्रुव देवी, और दोनों ही कह रही हैं कि हम ध्रुव स्वामिनी हैं। तो शक राजा ने कहा इसका फैसला कल दरबार में करेंगे। तो जैसे ही वो जाने लगा, चंद्रगुप्त ने कटार निकाल के और उसका वध, उसका कटा हुआ सिर बाहर फेंक दिया। शक सेना भाग गई और फिर चंद्रगुप्त वापस आया शिविर में। रामगुप्त ने फिर कहा देखो ऐसा भाई होना चाहिए, इसने अपने प्राणों पर घेल के आखिर राज्य को बचा ही लिया। तो फिर वहाँ चंद्रगुप्त ने वध कर दिया किसका, और खुद शासक बन गया, और फिर ध्रुव स्वामिनी से शादी कर ली। ये सारी कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मैच नहीं कर रही है क्या, है ना। उसके ग्रंथ का नाम पद्मावत था ना, तो ये मैच कर रही है ना वहाँ। उसको थोड़ी पता था कि आरपीएससी का एग्जाम होगा, हम ये कहानी पढ़ लेंगे। उसने इस कहानी को आधार बना के पद्मावत लिख दिया इस कहानी को, तो वो तो विशुद्ध क्या है, बकवास कर रहा है कि पद्मनी को वहां लेके गए, फिर गोरा और बादल वहां से रतन सिंह को दिल्ली से छुड़वा के ले आए, है ना, और फिर ये अपनी अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चित्तौड़ आ गए, और अलाउद्दीन खिलजी के पास वो स्प्लेंडर प्लस थी, स्प्लेंडर प्रो, तो वो इनका पीछा करता हुआ कुछ ही कह देते हैं ये लेखक, इनको पता ही नहीं है ऐसा कोई घटनाक्रम घटित ही नहीं हुआ था। सिर्फ उसने इस कहानी को आधार बना के अपना एक ग्रंथ लिख दिया, और क्योंकि लोगों को उस समय पता नहीं था तो उसके ग्रंथ को हाइप मिल गई। तो आज देवी चंद्रगुप्तम उल्लेख उपलब्ध नहीं है, तो इसका उल्लेख मिलता है भोज परमार के श्रृंगार प्रकाश में, है ना, गुणचंद्र की पांडुलिपि में, रामचंद्र की पांडुलिपि में, और बहुत सारे प्रमाण है। ये सवाल आजकल पूछे जाने लग गया, ये बाण भट्ट के हरिश्चरितम में भी
उसका राम गुप्तकार ध्रुवस्वामिनी का उल्लेख है। तो फिर हर्षचरितम की जो टीका है कौन सी, शंकर आर्य, अभी तो बोले था मैंने, तो उसमें भी उल्लेख होएगा ही होएगा। लेकिन जब अपन अभिलेख लिखवाएंगे ना, तो अभिलेखों में भी रामगुप्त आएगा, तो वहां लिखवाएंगे रामगुप्त की ऐतिहासिकता को साबित करने वाले अभिलेख। तो एक ही जगह लिखवा पाएंगे, या तो यहाँ लिखवा देंगे या वहां लिखवा देंगे, बात एक ही है ना। लेकिन ये ध्यान रखो, ये सवाल आजकल पूछा जा रहा है, देवी चंद्रगुप्तम या ध्रुव स्वामिनी या रामगुप्त की जानकारी मिलती है, तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों सवालों के एक ही जवाब हैं। तो लिखो, विशाख दत्त पहला लिखो। अच्छा, इसमें लिख दो ना, माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था। हाँ, इसमें विशाखदत्त में लिख दो ना पहले। माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? विक्रमादित्य। ये इस बात से भी पता चलता है कि इसकी दोनों रचनाओं का नायक कौन है। अरे, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य है और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त सेकंड है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं अपने से, कौन सा कवि, कौन सा लेखक गुप्तकालीन नहीं है, कौन सी रचना गुप्तकालीन नहीं है, इसलिए लिखाने पड़ रहे हैं ये सब। असल पिछली बार आ गया क्या? चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था। इसने अपनी दोनों रचनाओं का नायक चंद्रगुप्त को बनाया। तो पहला लिखो मुद्रा राक्षस, इसमें लिखो, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। यह नायिकाविहीन ग्रंथ है। इसे भारत का पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है। दूसरा लिखो देवी चंद्रगुप्तम। अच्छा, टीका लिख दो। टीका, धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। सब लिखोगे, कुछ नहीं छूटना चाहिए। गुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें इसमें राम ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है। इसमें रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी और
चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की प्रेम कहानी भी है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की प्रेम कहानी भी है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रेम कहानी भी है, परंतु वर्तमान में यह नाटक उपलब्ध नहीं है। विभिन्न स्रोतों से इसका उल्लेख मिलता है। भोज परमार का श्रृंगार प्रकाश, राजशेखर की काव्य मीमांसा, रामचंद्र और गुणचंद्र का नाट्य दर्पण, बाण भट्ट का और शंकरार्य की तंपर टीका, और बची हुई चीजें वहां उसमें रामगुप्त अभिलेखों में लिखवाएंगे। ये लिख दो एक बार। हाँ तो मौसम जोरदार हो रखा है, आज भी पढ़ने आ गए तुम तो? हैं अब हुआ है, अच्छा लिख दिया। तो अब लिखो भास, महाकवि भास। महाकवि भास कालिदास ने अपनी रचनाओं में भास का उल्लेख किया है। इसका मतलब भास कालिदास से पहले हुए। संस्कृत दो संस्कृत हैं, एक तो जो विद्वान जो संस्कृत बोलते हैं वो जटिल संस्कृत है व्याकरण वाली, और एक लौकिक संस्कृत है जो आम जनता बोलती है। तो लौकिक संस्कृत के जो पहले साहित्यकार हुए ना वो भास हुए हैं। महाकवि भास कालिदास की रचनाओं में उल्लेख है और लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार हुए हैं। इसके बाद गुप्तकालीन जो संस्कृत लिखी गई है वो तो जटिलता आ गई, वो तो अलंकार आ गए उसमें, तो कालिदास जैसे उपमत के महारथी आ गए। तो कहते हैं भास ने 13 नाटक लिखे।
ये भी पूछने लग गया आजकल, कौन सा भास्कर नाटक नहीं है? तेरा लिस्ट याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। या छोड़ दो फिर ईश्वर से कि भास नहीं आना चाहिए, है ना? तो देखो, भास की जो पहली मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्वप्ने वासुदत्ता। देखो एक ये लिस्ट याद कर लेना भाई, गुप्त और मौर्यों से फिक्स है ना, जैसे सम्राट अशोक के अभिलेखों से सवाल आएगा ऐसे गुप्त साहित्य से सवाल आएगा। तो तुम ईश्वर से कहना कि हे शिव जी, अब की बार भास नहीं आना चाहिए। अब बताओ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा गुप्तकालीन साहित्य नहीं है, अब ये कोई सवाल है क्या? देखो जो महाजनपद काल था ना, उसमें कुछ महाजनपद बहुत ताकतवर थे, उसमें एक था वत्स, है ना? अरे मगध था और कौशल था और वत्स था और अवंती था, है ना? तो वत्स की राजधानी थी कौसाम्बी और अवंती की राजधानी थी उज्जयिनी, जिसको अपन आज उज्जैन कहते हैं। तो वत्स का राजा था उदयन, वत्स का राजा क्या था, और अवंती का राजा था प्रदोत। अवंती का राजा कौन था, और प्रदोत की बेटी थी वासुदत्ता। उदयन भी क्या है कि वीणा बजाता था, वीणा वादक था बेहतरीन, और इतनी जोरदार वीणा बजाता था कि वीणा सुन के हाथी इसके कदमों में आके बैठ जाते थे। तो प्राचीन भारत में हाथी पकड़ने की कला सबसे पहले किसको आई, उदयन को आई, वीणा की सहायता से। मतलब जंगल में जन्म हुआ था ना इसका, ऋषि की संतान था ये। तो वो मैं कल कह रहा था ना तुमको, वृत्त कथा एक भारतीय साहित्य में एक रचना है, जो बहुत सारे राइटर्स ने वृत्त कथा के नाम से रचनाएं लिखी है, वो क्या है, तो उसका करेक्टर यही है उदयन। तो ऋषि ने इसको वीणा बजाना सिखा दिया था और इस वीणा से ये आराम से हाथी पकड़ लेता था। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हाथी पकड़ने की कला किसे आई, उदयन को। तो एक दिन ये वीणा बजाता हुआ क्या है कि बाउंड्री क्रॉस कर गया और कहाँ गया, तो अवंती के सैनिक इसे पकड़ लाए। पकड़ने के बाद पता चला कि ये तो राजा उदयन है, तो प्रदोत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो शत्रु इतनी आसानी से कैद हो गया है। चार राज ताकतवर थे ना, कि एक तो कम हो जाएगा अब। तो फिर प्रदोत ने क्या है, उदयन की देखरेख करने के लिए राजकुमारी वासुदत्ता को नियुक्त किया और साथ में ये निर्देश दिया कि इससे पूछना है कि यह हाथी कैसे पकड़ता है। तो उदयन वासुदत्ता को वीणा सिखाने लगा और एक दिन जब प्रदोत भोजन की थाली पे बैठे हुए थे तो सेवकों ने आगे सूचना दी कि उदयन वासुदत्ता को लेके भाग गया है। तो ये संपूर्ण कथानक भास की रचना किसमें है, स्वप्न वासुदत्ता में। दूसरी रचना है कौन सी, प्रतिज्ञा योगंद रायण, वो मगध का शासक था ना बृहद्रथ, उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या था, कौन था, पुष्यमित्र। तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या दिक्कत है। तो ये जो उदयन है ना, तो वत्स का प्रधानमंत्री है योगंद रायण। तो इसकी दुनिया, इसकी गणती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दीवानों में होती थी, प्रधानमंत्रियों में। जैसे हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री विदुर था ना, ऐसे ही महाजनपद काल में दो प्रधानमंत्री बेहद प्रसिद्ध थे, वही राज्य चलाते थे, राजा तो नाम के थे। उदयन भाई साहब को तो क्या है कि वीणा बजा के घूमने से ही फुर्सत नहीं थी, है ना? पांच पत्नियों का तो इतिहास में उल्लेख है।
वहां भी पहुंच गया था आम्रपाली के पास भी, वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली, वहां भी पहुंच गया था ये, पर आम्रपाली ने मना कर दिया इसको। ठीक है, तक्षशिला की राजकुमारी थी कलिंग सेना, उसके पास भी इसने मतलब शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया था, लेकिन कौशल के राजा प्रसेनजीत ने भी प्रस्ताव भिजवा दिया था, तो प्रसेनजीत ज्यादा ताकतवर था, तो मजबूर होके फिर तक्षशिला के राजा को शादी कहाँ करनी पड़ी, कौशल। मगध की राजकुमारी पद्मावती भी उदयन की रानी थी। ठीक है, तो योगेंद्र नारायण जब उदयन अवंती की कैद में था तो प्रतिज्ञा करता है अपने राजा को वहां से निकालने की, तो क्या है रचना का नाम, प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण। तो योगेंद्र नारायण कौन था, उदयन का दीवान प्रधानमंत्री। ठीक है, और तीसरी रचना है क्या, चारुदत्ता, लिखो महाकवि भास। ये लौकिक संस्कृत के, ये लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार हुए, ये लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार हुए। कालिदास ने अपनी रचनाओं में भास का उल्लेख किया है, भास ने 13 नाटक लिखे, पहला लिखो स्वप्नवास दत्ता, इसमें लिखो वत्स के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी, वासुदत्ता की प्रेम कहानी है। वत्स के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासुदत्ता की प्रेम कहानी है। दूसरा लिखो प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण, वो तो लिख दिया ना, वत्स के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासुदत्ता की प्रेम कहानी है, लिख दिया। तो दूसरी रचना कौन सी है, प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण, वत्स राजा उदयन का प्रधानमंत्री योगेंद्र नारायण था। वत्स के राजा उदयन का प्रधानमंत्री योगेंद्र नारायण था। लिख दिया, दोबारा बोलूं, वत्स राजा उदयन का प्रधानमंत्री योगेंद्र नारायण था। तीसरा है चारुदत्ता, शूद्रक लिख दिया क्या अपन ने,
हैं, और अमर सिंह लिख दिया, तो कालिदास से तो शुरू किया होगा ना, तो 10-11 हो गए होंगे ना टोटल, 11 हो गए ना। बाहर भी नहीं लिखा भी है ना, लिखो बाहर भी, हाँ तो लिखो बाहर भी, लिखो बाहर भी तो लिखो, अर्थ गौरव के बिना तो फिर क्या मतलब है। चारुदत्ता मेरे नाम लिख दो, लिखो इसमें मनोज सिंह का वर्णन मिलता है, लिखो। चारुदत्ता में नहीं लिखा यार, तो अब लिखो नेक्स्ट, इसमें तेरा नाम रट लेना, वो बुकलेट मिल जाएगी तुमको, उसमें देख लेना तेरा नाटक है ना, याद कर लेना। लेकिन वैसे संभावना ये है कि जीके में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कोई पॉसिबिलिटी बन जाती है तो फिर भी कर लेना। भाई अपन इतना सारा पढ़ते हैं तो एक सवाल और अपन क्यों छोड़े, मिल जाएगी, थोड़ा धैर्य तो रखो यार, तुमको सब उतावड़ी बहुत हो तुम, है ना। फिर लिखो बारहवीं, बारहवीं के बारे में भी विवाद है कि गुप्तकालीन नहीं थे, दूसरे लोग कहते हैं थे, तो बारहवीं किस लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए, संस्कृत वाले कर देंगे और व्याख्या। तो एक पल्लव राजा था सिंह विष्णु, पल्लव राजा कौन था, सिंह विष्णु, इसके दरबारी थे बारहवीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिंह विष्णु का समय गुप्तकालीन ही है, तो कालखंड वो मैच कर गया ना, इसलिए बारहवीं को गुप्तकालीन माना जाता है। तो लिखो ये बात, बारहवीं ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, अर्थ गौरव लिखो बोर्ड पे, अपने कोई काम नहीं है वैसे लिखाने के लिए लिखा रहे हैं, बस अपने को ये पता करना है कि बारहवीं गुप्तकालीन है, ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे, इन्हें गुप्तकालीन माना जाता है, इन्हें गुप्तकालीन माना जाता है, ये पल्लव राजा सिंह विष्णु के दरबारी थे, ये पल्लव राजा सिंह विष्णु के दरबारी थे, और किताब कौन सी लिखी, किराता अर्जुनियम, यहां से जो फेमस सवाल बनता है ना, वो बनता है कि आपको किताब दे देगा चार, और चार लेखक दे देगा और ये कहेगा सुमेलित करो, ये सवाल गुप्त काल से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या फिर वो मंदिर है ना, या फिर वो दर्शन षट दर्शन ज्यादा टिपिकल बनाता है, तो जो आदि महाकाव्य रामायण महाभारत और अपने पुराण, इनसे संबंधित कोई स्टेटमेंट दे देता है। अब ये तो हम जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही सवाल नहीं होता हमसे। देखो याद आया मेरे, अरे श्याम कौन था मगध का प्रधानमंत्री, मगध का क्यों ध्यान आएगा तेरे, आगे जान, हाँ तो उस युग के दो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे कौन, वर्ष का। जैसे ही तुम आप जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आप लोग है ना टीचर हो आप में से बहुत सारे, तो आपको ऐसे लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ही खुदा हूं। फिर जैसे ही चार अक्षर सीखोगे, अब तो कुछ ही नहीं आता तब तो ये लगता है, फिर जैसे ही चार अक्षर सीखोगे वैसे ही लगेगा सर्व इदम खलु, सभी क्या है,
और सबसे पहले जो नुकसान होएगा वो ये होएगा, आप तथ्य भूल जाओगे, इसका काम पूरा हो जाएगा। और जब आपको कुछ नहीं आएगा तो केवल क्या आएगा, तथ्य आएगा, चार फैक्ट आएंगे आपको बस, और उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही खुदा हूं। और जैसे ही आप कुछ सीखोगे, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, इस जीवन में तो पाने योग्य नहीं है, वो कुरान का पहला सूरा लिखा हुआ है ना, सूरा आयत, उसमें लिखा हुआ है सारे पेड़ दरखत अगर कलम होते है ना, और सारे समुद्र अगर स्याही होते तो भी खुदा का एक शब्द नहीं लिखा जा सकता था। पहली लाइन है कुरान की, इसका मतलब ज्ञान से है। और अपन भी तो सनातन परंपरा में कहते हैं ना कि ज्ञान इस जीवन में पाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव है अपूर्ण और ज्ञान है पूर्ण। कोई भी अपूर्ण चीज पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती, केवल पूर्ण ही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो जब ऐसे खूब सारे लोग हुए जो अपूर्ण से पूर्ण हो गए, राजा जनक आएगा ना शिक्षा में, कल मैं बता रहा था विश्वामित्र, लेकिन जैसे ही वो अपूर्ण से पूर्ण हुए उनका संसार में स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया कि चलो अब यहां से। तो मेरे साथ भी समस्या ये उठ खड़ी हुई है कि हाँ, देखो ऐसे कुछ कुछ मुझे एक घंटे तक तो कुछ याद ही नहीं आता है, बाद में धीरे धीरे याद आता है कि अच्छा ये था। कवि गुप्त काल में ये जो ये रचनाएं है ना, इनमें गुप्तकालीन कवि भी हैं। वन लाइनर सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन कवि हैं या नहीं हैं, और अपन जानते हैं उनको, लेकिन अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर पाते। कैसे? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। हरिसेन भैया कौन थे? कवि थे, ठीक है, ये बात तो हमको पता है। प्रिया अब बताया ना आप लोगों ने तुरंत ही कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है ना, हरिसेन। इनको मैं क्या कहूं, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा है ना, हाँ पीडीएफ और मांग रहे हैं ये, मेरे पास खुद के पास ही कोई पीडीएफ नहीं है। फिर एक है वीर सेन साव, देखो सभी गुप्त राजा भगवान, सभी गुप्त राजा भगवान विष्णु के उपासक हैं और वैष्णव हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री है वीर सेन, एक तो वो था शिखर स्वामी, एक कौन है साव, कौन होते हैं जो शिव के उपासक होते हैं। तो इसने उदयगिरी की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश में भगवान शिव का मंदिर बनवाया, और ये उसमें खुद को कवि कहता है। वत्सवट्टी, और कौन सा है वत्सवट्टी, इसने मंदसौर प्रशस्ति लिखी, मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त के समय की है ना, और इसमें ये क्या लिखता है, मंदसौर का नाम क्या बताता है, तो मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, दसपुर, और ये सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख करता है। एक है छंब, जिसने वो तो खैर जरूरी नहीं, तालगुंड अभिलेख लिखा था, अभिलेख और प्रशस्ति लिखाएंगे तब भी आ जाएगा, केवल नाम ही ध्यान रख लेना बस। तो हरिसेन ने तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी, वीरसेन ने उदयगिरी अभिलेख, और वत्सवट्टी ने, कुल मिला के ये कौन है, गुप्तकालीन, तो आप हेडिंग लिखो गुप्तकालीन कवि, गुप्तकालीन कवि। गुप्तकालीन कवि कोरोना काल के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एनर्जी खा गया ये है। मेरे साथ ही दिक्कत है, तुमको भी ऐसा लगता है,
पहले मैं 14 घंटे पढ़ाता था, 6 बजे आ जाता था, और रात को जब एचएम का बैच था तब तो 10 बजे तक तो क्लास ही होती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब 10 घंटे क्लास नहीं थे। अब 6 घंटे पढ़ाते ऐसे लग गया जैसे कि बस मरने ही वाले हैं। बहुत सारे टीचरों से बात की मैंने, कि यार मेरे साथ ही हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है। तो अपन तो जन्मजात रेगिस्तान पैदा हुए हैं, तो 45 डिग्री तक तो अपन राजस्थानियों कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या? तो गुप्तकालीन कवि में पहला लिखो हरिसेन, हरिसेन। अभी जब तुम लोग पास हो जाओ तो हमको एक एक एसी गिफ्ट कर जाना। नहीं कर सकते? पक्का? अपने नाम और फोन नंबर लिखवा जाना बाहर कि मैंने ये शपथ ली है। हैं? तुमसे कर देंगे पक्का? अभी तक हमने 1500 से 2000 पास करा दिए होंगे जब से अभिव्यक्ति खुली है ना? और कई सारे यहाँ भी बैठे हैं अभी भी, है ना? ये अब इनसे पूछ लो कि इन्होंने फीस दे दी क्या? एसी देना तो दूर की बात है, अब बैठे होंगे 5-10 तो होंगे बैच में, ऐसी बात थोड़ी है। रोते ही रहते हैं पैसे ही नहीं है, 50,000 आ रहे हो तो खर्च हो गए। मन से दिक्कत है ना, मन से, मन से अमीर बनो तो मन से। जैसे ही तुमसे कोई कोई पैसे दे दे कि 1 करोड़ से नीचे उधार नहीं देंगे, तो हरिसेन में लिखो यह समुद्रगुप्त के समय, यह समुद्रगुप्त के समय कवि था। इसने हरिसेन इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। क्या लिखा? दूसरा लिखो वीर सेन अथवा साओ। वीर सेन अथवा साओ, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था जो भगवान शिव का उपासक होने के कारण साव कहलाया। जो भगवान शिव का उपासक होने के कारण साव कहलाया। इसने उदयगिरी की पहाड़ियों में एक शिव मंदिर बनवाया। उदयगिरी की पहाड़ियों में एक शिव मंदिर बनवाया। यह खुद को कवि कहता है, यह खुद को कवि कहता है। फिर लिखो वत्स भट्टी, वत्स भट्टी। इसने कुमारगुप्त प्रथम के समय मंदसौर प्रशस्ति लिखी। कुमारगुप्त प्रथम के समय मंदसौर प्रशस्ति लिखी। जिसमें 44 श्लोक हैं, जिसमें 44 श्लोक हैं। वो बिहार यूपी के पीसीएस एग्जाम में ये संख्या पूछ रखी है, मंदसौर प्रशस्ति में कितने श्लोक हैं। हाँ, तो इनका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं होने के लिए आते हैं। आपको एग्जैक्ट पता है तो यस करो, नहीं तो तुरंत हाथ जोड़ दो कि भाई साहब दूर रहे, है ना? इतने सारे अभिलेख हैं, सबके लिखेंगे क्या कितने हैं? तो ये नहीं होने के लिए आते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना, है ना? तो जो पढ़ा हुआ अपना आ गया तब तो ठीक है,
नहीं ऐसे सवालों को नहीं, ये अपना जमा पूंजी और ले जाएंगे, जो अपना बैंक बैलेंस है ना उसमें से 2 रुपए और ले जाएंगे ये, तो ऐसे दूर रहे अपन, डिमोरलाइज नहीं हो कि मेरे को नहीं आ रहा है, किसी को ही नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। अभी पूछ लें किसी भी अभिलेख के बाहर से उठा के, कितने श्लोक हैं, तो 1000-2000 तो होंगे, अब तक ज़्यादा ही होंगे, सम्राट अशोक के 163 हैं, तो नहीं है, सीधे हाथ खड़े कर दो डायरेक्ट, मना करना सीखो जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, कि मैं नहीं कर सकता। और तुमसे दिक्कत यही है कि हाँ के अलावा और कुछ, हाँ तो इसमें 44 श्लोक हैं, इसमें मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है, इसमें मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है, इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है, इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है। लिख दिया, फिर लिखो छंब, छंब यह तालगुंड अभिलेख का लेखक था, यह तालगुंड अभिलेख का लेखक था, इसका एक नाम कुब्ज भी मिलता है, यह तालगुंड अभिलेख का लेखक था, इसका एक नाम कुब्ज भी मिलता है, कुब्ज, कुब्ज ये छंब का दूसरा नाम है, ये किसका दूसरा नाम है, छंब का दूसरा नाम है, तो हो गए कितने, हो गए ये टोटल, वैसे टोटल कितने हो गए, 16 हो गए ना, अभी वो वरामीर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी वो वहाँ आएंगे, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी तो है इनके पास है ना, बैग दो इसका, यहाँ सीट है ना, इधर ही आ जाना, जगह है और क्या, रट लेना इनको, इनको रटने का एक साधारण सा तरीका है, एक पेज खाली और एक पेन हो उसमें अपन इनको लिख लें और जेब में डाल लें, और जो पहला आदमी मिले उसे सुनाए कि सुन, और अगर कोई नहीं मिलता है तो फोन करके सुनाओ जो तुमको फोन करता है ना, बढ़िया है, तो फिर क्या है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कैसे याद होएगा बताओ, देखो फिर हमारे क्या है, आदि महाकाव्य हैं, मतलब ये तय बात है, लगभग तय बात है कि सवाल आपसे किताबों का पूछेगा, जैसे आप कह रहे हो पिछली बार ये पूछ लिया कौन सा गुप्तकालीन नहीं है, तो वो भी तो साहित्य है, तो आप हमेशा जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वो एक तरफ किताब देगा, एक तरफ लेखक देगा, और मैचिंग करवाता है, और आपको कालखंड के बारे में जब पूछता है सवाल तो आप चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न है उनको रट लो बस, उससे हो जाएगा, उसी का लॉजिक आता है हमेशा, भाई दूसरा तरीका तो हम सबको रट लें, या फिर आप नवरत्न की लिस्ट को रट लो तो उसी का लॉजिक आता है, पिछली बार भी उसी का लॉजिक आया था, उससे हो जाता है तुरंत, सवाल खुद ही अपना जवाब लेके आता है, हम जबरदस्ती सवाल को टिपिकल बनाते हैं अपना दिमाग लगा के। तो आदि महाकाव्य में पहला क्या है, रामायण, और रामायण में सबसे प्राचीन रामायण कौन सी है, भुसंडी रामायण, ये सबसे प्राचीन है,
भुसंडी रामायण सबसे प्राचीन है ना। फिर है वाल्मीकि रामायण, किसने लिखी? डाकू रत्नाकर, वाल्मीकि। वो तपस्या करने बैठ गए तो उससे वो जो चींटी हैं उन्होंने अपना घर बना लिया, तो वो वाल्मीकि कहलाए। वाल्मीकि यानी चींटियों का घर, तो वाल्मीकि से ये क्या हो गए? वाल्मीकि हो गए। बताओ हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी भयंकर स्थितियाँ खराब थी, ठीक है, और ये वामपंथियों ने रामायण में जोड़ दिया है कि भगवान श्री राम ने शंबुक ऋषि का वध कर दिया था, और एक डाकू की लिखी हुई रामायण आज इस देश के लोगों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। हम कभी लेकिन इन बातों पे चर्चा ही नहीं करते। हमको तो इन्होंने रटा दिया कि शंबुक मुनि का वध कर दिया था, जबकि मूल रामायण में ऐसा कोई कथानक नहीं है। जैसे पृथ्वीराज रासों में, मूल पृथ्वीराज रासों में संयोगता और पृथ्वीराज की कोई कहानी नहीं है, उसमें वहां गजनी का भी कोई उल्लेख, वो तो चंद्रप्रदाई जबरदस्ती लेके गया उसे गजनी मरे हुए को, वो तो सिरसा में ही मर गया था, है ना। फिर इस वाल्मीकि रामायण पे टीका लिखी, राम मानस। देखो ये सबको बताया है, ये किसने लिखी? ये राम बोला ने लिखी, है ना। और मेरे जैसे जो महान इतिहासकार हैं जिनको चार लाइनें आती हैं, है ना, वो तुलसीदास जी की जाति ढूंढ लाए कि राम बोला दुबे जी। हाँ दिक्कत है ना, देश में दिक्कतें चल गई ना भयंकर वाली, तो तुलसीदास जी की जाति ढूंढ ले, तो, है ना। तो आजकल जो नई किताबें मिलेंगी तुमको, किताब मतलब जो अपने पास है गाइड भगवत गीता, किताब तक तो पहुंची नहीं अपनी, तो वहां लिखा मिलेगा आपको राम बोला दुबे। तो मैंने भी ऐसा एक भगवत गीता देखी, तब मैं भी अचंभा हो गया, मैंने कहा यार ये कहाँ से ढूंढ लाए। फिर मुझे मैंने राइटर देखा, मैंने कहा ये तो कोई अपना जैसा ही है। तो अब्राहम गियर्सन कहते हैं करोड़ों हिंदुओं की एकमात्र पवित्र बाइबल हर हिंदू के घर लाल कपड़े में लिपटी रखी है ना, अब देखो इस रामचरितमानस में, यानी कि जो वाल्मीकि रामायण है स्रोत तो वही है ना। अब ये तुलसीदास जी ने ये कब लिखी है? छोटे मोटे सवाल हैं यार, ये अकबर के समय लिखी है ना। गलत बोलते हैं अपन, नहीं बोलना ये चाहिए था कि अकबर तुलसीदास जी के समय हुआ, उल्टा बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी किस समय हुए? अकबर के समय। बड़ा कौन है दोनों में? अरे छोड़ो, अब मैं ऐसा कहूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा कि अच्छा हिंदू मुसलमान बात हो रही है। ये मानसिंह, राजा मानसिंह आमेर और दादू दयाल एक ही कालखंड में हुए, तो कहना ये चाहिए ना था कि संत दादू के समय मानसिंह हुए, यही कहना चाहिए ना, दादू बड़ी हस्ती है। लेकिन हम उल्टा बोलते हैं हमेशा ही कि मानसिंह के समय दादू हुए, तो क्या किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी ने अकबर के समय अवधि में रामचरितमानस टीका लिखी। रामचरितमानस टीका किस में है? अवधि में है। तो देखो टीका कितनी फेमस हो गई, मूल ग्रंथ पीछे रह गया ना, तो कई बार टीकाकार बहुत फेमस हो जाते हैं। तो कितने श्लोक हैं? अब तुमने वैसे तो रामायण पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ा देता हूं आज, है ना, ये महान अवसर मिला मुझे। 24,000 श्लोक होने के कारण से क्या कहते हैं? चतुर्विश सहस्त्र कितने कांड हैं, है ना। अरे वो मूल तो वही है ना, तो इसमें भी तो वही है फिर, है ना। बोलो, बाल कांड, अयोध्या, कौन किस किंदा, कौन बोला? जंगल में जाए भी नहीं, किस किंदा ले आओगे? और अरे श्याम तेरी स्थिति बहुत खराब है। बताओ
ईमानदारी से बताओ किसको याद नहीं है ये? ये बहुत दुख की बात है अगर ये याद नहीं है, मोक्ष नहीं मिलेगी तुमको, है ना? अब देखो रामायण में जितने, अरे सुनो तो यार, है ना, जब तुम पानी पतासी खा रहे थे ना तब मैं रामायण पढ़ रहा था, सोच के देखो एक बार, ठीक है? ईश्वर जहां आपको ले जाना होता है ना, वो उसकी भूमिका वो कब शुरू कर देता है आपको पता नहीं चलता है, आपको बाद में पता चलता है, अच्छा ये सर्किल था एक जिसके अपन हिस्से हैं, क्या उखाड़ लिया मैंने फिजिक्स पढ़ के, अगर पहले से हिस्ट्री पढ़ता तो आज स्थितियां अलग होती है ना। तभी तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं सिखा दूंगा क्योंकि ये मेरे को आता है। और तुम ये जो इधर उधर के सवाल पूछते हो, ये तुमने वहां से पढ़ाया जिसने तुम्हारे जैसों ने लिखा है ना। और मैं ये सब वो बताता हूँ जो मूल किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास में पिछले 50 सालों में कोई किताब नहीं लिखी गई, जिन किताबों को हम प्रमाणित मानते हैं वो सुपर नकलची हैं। मैं तो एक ही चीज़ से परेशान हूँ कि मेरा जन्म इतना लेट क्यों हुआ। हाँ तो और क्या, उनसे बेहतरीन लिखता मैं, उन्होंने ढंग से नकल ही नहीं की, नकल भी तो अच्छे से नहीं हुई उनसे, है ना। जिन जिनको हिस्ट्री में बेहतरीन टेक्स्ट बुक माना हुआ है ना, उनके लेसन के लेसन कॉपी है ओरिजिनल। और उनको हम ये कहते हैं मानद लोग कि इन्होंने लिखा है। तो ये ब्राह्मण जी में जितने भी सवाल उठे गए ना, जितने भी सवाल, उन सब का जवाब आखिर में दिया गया है, इसलिए उसे कहते हैं उत्तरकांड। रामायण जी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सब का जवाब आखिर में आया है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मूल रामायण जी में सीता जी के निष्कासन की कोई घटना नहीं है, सब बकवास है ये, कंप्लीट, ये बाद में जोड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन देखो कितना फेमस हो गया है, अरे प्रचार में कितनी ताकत है। इन्होंने हमारी मूल चीजों पर प्रहार किया कि इनके उस मूल को खत्म करो। जैसे अयोध्या एक जगह थोड़ी है, अयोध्या श्री राम से भी कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, अयोध्या मनु का जन्म स्थल है, श्री राम से हजारों साल पहले, हम सब मनु की संतान है। आप अयोध्या हटा दो, मनु ऑटोमेटिक हट जाएगा, आपका वो आधार ही खत्म हो जाएगा जिस पे ये धर्म टिका हुआ है। मंदिर की बात थोड़ी है, वहां मनु की बात है। जैसे आप राजस्थान से पद्मनी का साका हटा दो, सब खत्म हो जाएगा एक झटके में। तो वो मूल बात होती है बहुत बार, और हम ध्यान ही नहीं देते छोटी मोटी बातों पे, हम ऐसे देखते थे अरे पता ही नहीं है क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं। तो कई बार संदर्भ बहुत गहरा होता है, बस हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं अभी कह रहा था, ईश्वर को जो करवाना होता है वो करवा देता है, हम फालतू में ही लोड लेके रहते हैं। जैसे हम में से कईयों को ऐसा लगता है, या फिर हम ऐसा रहते हैं, हम सब कि पूरी धरती का वजन अपन ने ही उठा रखा है, या तो भगवान वराह थे या फिर अपन है कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। दिन भर यही सोचते रहते हैं, रात को भी यही सोचते हैं कि मैं स्कूल लेक्चर बन जाऊं, फिर चांद पे पहला प्लॉट मैं ही खरीद लूंगा। अरे बन जाओगे यार, फिर खरीद लेना, क्यों परेशान होते हो? जो होना होएगा वो निश्चित तौर पे घटित होएगा, अभी भगवत गीता भी आएगी ना, जो होना होएगा वो निश्चित तौर पे घटित होएगा। आपको सिर्फ अपना काम करना है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, कि ये जो प्रकृति का जो सर्किल है, डेस्टिनी जो सबकी तय है, इस डेस्टिनी में हम केवल कर्म करें। अब भगवान राम जब वो अयोध्या किसी को भेजने की योजना, लंका किसी को भेजने की योजना बना रहे थे, मैं एक बात बहुत अच्छे से मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ, मत मानो आप श्री राम और श्री कृष्ण हुए, मत मानो, कोई जरूरत नहीं आप ये मानो कि ये अवतार हैं, लेकिन आप इसे डिनाइन नहीं कर सकते कि इस देश की संस्कृति पे, इस देश के लोगों के जीवन पे इन दोनों का इतना गहरा प्रभाव है कि आप कण कण से भी इनको नहीं हटा सकते। हर व्यक्ति गांव में क्या कहता है, राम राम, क्या क्या सिखाओगे उसको दूसरी जगह, दूसरा क्या आविष्कार लाओगे, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग कहने वाले वो आ रहे हैं अपने बच्चे, तुम देखो सही, अभी रुको सही, अभी रुको 15 साल। तो संस्कृति पे योगदान होता है, समाज से जो जुड़ जाती है चीज, उसको मतलब नहीं हटाया जा सकता। तो जब हनुमान जी को लंका भेज दिया गया, तो उनको कहा था उसके घर जाना, वो राक्षसी थी ना त्रिजटा, कि विभीषण ने कहा था ना त्रिजटा के घर जाना, तो त्रिजटा के घर गए वो, तो विभीषण तो खैर अब तक सीन में आया नहीं था, तो त्रिजटा के घर जाना, तो त्रिजटा के घर जब हनुमान जी गए, तो त्रिजटा क्या है कि वो
बच्चों को ऐसे पोथी पाना लेके सिखा रही थी कि वो एक बंदर आएगा है ना, और वो पूरी लंका जला देगा। तो हनुमान जी को लगा यार ये तो जबरदस्ती वो माहौल बना रही है यार, मेरे से कहीं से जलेगी लंका, और मैं इतनी पूंछ और इसका पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, टैंकर आ ही नहीं रहे, कहीं से होएगा ये, है ना। बात आई गई होगी, चले गए वो। फिर हनुमान जी वहां अशोक वाटिका में पहुंचे और वो पेड़ पे बैठे थे, तो रावण क्या है दनदनाता हुआ आया, सीता जी से किसी बात पे गुस्सा हो गया और सीता जी की गर्दन काटने ही वाला था, हनुमान जी कूदने ही वाले थे अशोक वृक्ष से, तो फिर तुरंत वो मंदोदरी बीच में आ गई। तो रावण की फिर इतनी हिम्मत थोड़ी है, पीछे हट गया चला गया। तो हनुमान जी के पहले तो विचार ये आया था कि यार मैं उचित समय पे आ गया हूं नेपोलियन की तरह, है ना, अगर मैं नहीं होता तो रावण अभी माता सीता का वध, लेकिन वो मंदोदरी आ गई तुरंत, तो हनुमान जी की दूसरी गलतफहमी दूर हो गई, है ना। और फिर वो उसके रावण के दरबार में गए पकड़ बंदी बना के, पता ही है ना, फिर वो पूंछ में लपेट दिया, विभीषण के सुझाव पे आग लगा दी और उन्होंने पूरी लंका जला दी। यानी कि हम जैसा मैं शुरू में कह रहा था, ये सब एक सर्किल है, ये सब चीजें घटित होकर रहती हैं, इसमें हमको सिर्फ अपना काम करने की जरूरत है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अपन ऐसा कहते हैं कि रामायण जी एक ही है, कौन सी वाली सबसे प्राचीन रामायण कौन सी है, भुसंडी। तो मैं यहां पे रामायण जी पढ़ा रहा हूं और सामने से हनुमान जी निकल के जा रहे थे, और मैंने अभी तुमको कहा कि हनुमान जी वहां दरबार में गए रावण के में, और रावण ने कहा इस दूत का वध कर दो, विभीषण ने सुझाव दिया दूत का वध नहीं कर सकते महाराज, कि क्या करो कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, नहीं। तो ये तो अपने को सबको पता है कि हनुमान जी ने पूंछ से लंका जलाई थी, जो पहले हनुमान जी थे ना उन्होंने फूंक मार के लंका जला दी थी। हाँ, किससे लंका जला दी थी, फूंक मार के। तो मैं तुमको यहां कह रहा हूं ना कि हनुमान जी ने फूंक मार के लंका जला दी, तो हनुमान जी बाहर से जा रहे थे तो उन्होंने कहा घोर कलयुग आ गया यार, कितनी झूठ बोल रहा है ये और लोग सुन रहे हैं, मैंने तो पूंछ से लंका जलाई थी ये कह रहा है। तो हनुमान जी तो तुरंत छोटे मोटे सवाल, हनुमान जी के तो हर सवाल का जवाब कहाँ है, भगवान विष्णु के पास है, तो वो वहीं चले गए। तो भगवान विष्णु को आता देख और हनुमान जी को आता देख भगवान विष्णु ने अपनी मुद्रिका नीचे गिरा दी अंगूठी, तो हनुमान जी जैसे ही उसे लेने के लिए झुके वो खिसक गई। आखिर में वो खिसकते खिसकते एक गुफा में पहुंच गई, वहां बाहर सनी देओल खड़ा था, उसने कहा कहाँ जा रहा है, कार्ड दिखा, है ना। तो ठीक है, तो उसने उसने कहा कि भाई मेरी अंगूठी अंदर चली गई है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ यार, तुम्हारे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है यहाँ, ठीक है, पहले ही आता है सब मेरे को तो खुद को मौका मिले तो मैं पढ़ा दूँ इनसे अच्छा। तो अब वो कि रुक मैं मालिक से पूछ के आता हूँ परमिशन देगा कि नहीं, तो वो समझदार था हनुमान जी, तो वो अंदर गए, उन्होंने कहा बाहर कोई खड़ा है, वो खुद को हनुमान कह रहा है और कह रहा है कि अंगूठी लेने आया हूँ, कि बुलाओ उसको, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। लेके गया अंदर, तो हनुमान जी जो चेयर पे बैठे हुए थे सामने के हनुमान जी खड़े हुए हैं, तो चेयर वाले हनुमान जी ने कहा क्या लेने आया, कि वो अंगूठी, कि अच्छा, तू वही हनुमान है ना जिसने पूंछ से लंका जलाई थी, कि हाँ, कि तुम कौन हो, कि मैं वो हनुमान हूँ जिसने। तो ऐसा कहते हैं कि टोटल 24 रामायण घटित हुई है, टोटल कितनी बार रामायण घटित हुई है। तो ये सब चीजें जानने की एक दिन भगवान विष्णु का वाहन था ना गरुड़ जी, है ना, तो गरुड़ जी को इच्छा हुई कि मैं सब ये चीजें जानू, कहाँ कौन बताएगा। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को भुसंडी के पास भेज दिया कि भुसंडी बताएगा तेरे को क्या सही है क्या गलत है। तो माता लक्ष्मी नाराज हो गई कि आप हमेशा जवाब नहीं देते, टाल देते हो, फालतू बातें करते रहते हो, आप एक अपने प्रिय पक्षी की मतलब जिज्ञासा शांत नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा खग जाने खग की भाषा, कि मैं बताऊंगा इसके समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे इसके लेवल के आदमी के पास भेज दिया मैंने। तो पहली रामायण कौन सी लिखी गई थी, भुसंडी ने गरुड़ जी को बताया सारा, वो पहली रामायण है। कहते हैं कि टोटल 24 ये बार ये सब घटनाक्रम घटित हुआ,
और सबसे प्रसिद्ध रामायण कौन सी हुई, जिसमें कितने श्लोक हैं और कांड कितने हैं? मूल रामायण में, मूल वाल्मीकि रामायण में संबुक मुनि का वध नहीं है। माता सीता का अयोध्या से वनवास वापस आते हैं ना, 14 साल बाद वापस भेज देते हैं, वो कोई घटना नहीं है। ये सब बाद में जो एड ऑन हुई हैं चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा दुष्प्रचारित कर दी गई है। लिख दो, महाकाव्य नहीं है ये, हमारे क्या है, आदि महाकाव्य। भारत का पहला महाकाव्य है बुद्ध घोष का, असु घोष का बुद्ध चरितम। वो सिलेबस में नहीं है आपने, इसलिए बताया नहीं मैंने। रामायण और महाभारत हमारे आदि महाकाव्य हैं। बना दो नहीं ऐसे कैसे ही, है ना, बना लिया। लिखो फिर अभी बना लो, और क्या, फटाफट बना लो, फोटो खींच लो ना। इसमें लिख देना ना, रामचरितमानस में सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है ना। अकबर काल में अवधि में लिखी गई, लिख दिया क्या, फटाफट लिखो तो पेन तेज चला। सम्मुख मैं दिखा दूंगा, मैंने देखो एक बार, लिख दिया गया।
लिखेंगे आगे। लिखो, इतने पीछे कैसे चल रहे हो? सबको लिखने दो ना, तो क्लास में बहुत सारे हैं ना, अपन दो ही थोड़ी हैं। लिखो, मूल रामायण में शंबुक मुनि वध मूल रामायण में शंबुक मुनि वध और माता सीता के निष्कासन की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। शंबुक मुनि वध मूल रामायण में शंबुक मुनि वध और माता सीता के निष्कासन की घटना का उल्लेख नहीं है। तो फिर ये कहां से आए? ये लेके आए कौन? वामपंथी, हमारे धर्म और संप्रदाय, हमारे धर्म और परंपराओं के जन्मजात विरोधी। लिख दिया? तो अब लिखो महाभारत। रामायण के बाद लिखो महाभारत। ये कार्ल मार्क्स इस रूम से ही है। एक किताब पढ़ना कभी जिंदगी में मौका मिले तो, विशेला वामपंथ। रामायण महाभारत में लिखो, महाभारत में लिखो, रामायण और महाभारत हमारे आदि महाकाव्य हैं। लिखो, फ्री मत रहो तुम। रामायण और महाभारत हमारे आदि महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत हमारे आदि महाकाव्य है। रामायण और महाभारत अंतिम तौर पर गुप्त काल में संकलित हुए अंतिम तौर पर गुप्त काल में संकलित हुए, मतलब पहले से चले आ रहे थे, फिर फाइनल बाइंड अप करके और किताब कब रिलीज कर दी? गुप्त काल में। देखो बनाओ, ये मेरे साथ बनाओ। महाभारत कितने चरणों में पूरा हुआ है? तीन चरणों में।
पहले चरण में महाभारत में 8,800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था, इसे वेद व्यास ने लिखा। दूसरे चरण में 24,000 श्लोक थे, इसका नाम भारत संहिता था, इसे वैशंपायन ने लिखा। तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक थे, 1,00,000 को कहते हैं सत सहस्त्र संहिता, और इसको कहा गया महाभारत, और इसे लिखा सौनिक ऋषि ने। तो हम जिस वेद व्यास जी की कल्पना करते हैं वो केवल उन्होंने पहला पार्ट लिखा है बस, जय संहिता, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की इसलिए ज़्यादा फेम उन्हीं को मिली। लिख दिया, आगे लिखें। देखो जो महाभारत है इसमें 5 गणों का उल्लेख है। पहली बात तो महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, वेद 4 है ना, और 5वां कौन सा माना जाता है? महाभारत। सबको पता है ना महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच, पता नहीं तो सबको, महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला। महाभारत में 18 पर्व हैं, है ना? युद्ध कितने दिन चला? महाभारत में कितने पर्व हैं? 1 दिन का 1 पर्व, है ना? और महाभारत के बाद जो योद्धा शेष बचे उनकी संख्या भी कितनी थी? तो इस 18 का कोई विशेष महत्व है, लेकिन अभी पता नहीं लगा पा रहे लोग कि ये क्या है, हर संख्या 18 पे आके क्यों रुकती है। भगवत गीता में भी कितने 18 ही अध्याय है ना, तो अब ये पता नहीं चल पा रहा, जिस दिन पता चलेगा उस दिन बात बदल जाएगी। तो महाभारत में 5 गणों का उल्लेख है, यादव, भोज, आंध्र, कुक्कुर, वृष्णी, ठीक है। महाभारत में 5 गणों का उल्लेख है, लिखे महाभारत में 5 गणों का उल्लेख है। यादव, भोज, आंध्र, कुक्कुर, वृष्णी। अब जिनको ध्यान नहीं है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिन चला वो लिख लिया करो, जरूरी थोड़ी सबको सब बात आए, ठीक है। महाभारत को 5वां वेद कहते हैं, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। महाभारत में जीवन के प्रति 3 दृष्टिकोण दिखाए गए हैं, महाभारत में जीवन के प्रति 3 दृष्टिकोण दिखाए गए हैं। देखो लिख दिया ना, अब रुको भाई। हम ये मानते हैं कि
नियति होती है, जो होना है वो होके रहेगा, कि जिसने चौंच दी है वो चुग्गा भी। इसलिए सुबह जगते ही मुंह फाड़ के और ऊपर देखने लग जाओ, चुग्गा आ जाएगा। ये क्या है? नियतिवाद। फिर हम कहते हैं कि नहीं, कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। महाभारत एक तीसरी बात और कहता है, आध्यात्मवादी, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तय है, तो मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। तो महाभारत तीनों घटनाओं का प्रतिनिधि है। नियतिवादी कि महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे पैदा हुए, इसमें उनका क्या दोष था, लेकिन महाभारत की पटकथा लिखी जा रही थी इसलिए उन्हें अंधा पैदा होना ही था। अगर महाराज धृतराष्ट्र सही सलामत पैदा होते तो वो राजा बनते, वो राजा बनते तो दुर्योधन हक मांगता ही नहीं, अपने आप ही वो राजा बनता है ना। पांडु को गद्दी मिलती नहीं और पांचों पांडवों का उस पर दावा बनता ही नहीं। लेकिन महाभारत तय थी, इसको घटित होना था। और इसकी शुरुआत कहां से कर दी? धृतराष्ट्र को अंधा पैदा करके। अगर और पीछे जाएं और घटनाएं देखें तो माता सत्यवती से शांतनु ने विवाह कर लिया, देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर अध्यात्मवादी कि मृत्यु का कोई शोक नहीं करना चाहिए, जन्म होने के कारण मृत्यु अटल है, देवव्रत को भी मरना पड़ा, श्री कृष्ण को भी मरना पड़ा। फिर प्रज्ञावादी है ना, जो अपन कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपने कर्म और अपनी बुद्धि से अपनी स्थिति को बदल सकता है। माना कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और सब जो घटित होना है वो होके रहेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि और अपने कर्म का इस्तेमाल करे तो वो घटनाओं को बदल सकता है। जैसे महात्मा विदुर दासी कुल में पैदा होने के बावजूद हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। तो सबके एग्जाम्पल है ना महाभारत में। तो महाभारत में जीवन के तीन घटनाक्रम है, नियतिवादी, आध्यात्मवादी और लिख दिया, लिख दो। तो नियतिवादी, आध्यात्मवादी और प्रज्ञावादी लिख दिया। अब महाभारत में जो भीष्म पर्व है ना, उसका हिस्सा है कौन? श्रीमद् भगवद गीता, हिंदू नीति शास्त्र की आधार स्तंभ। और इसमें भी कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 700 में से 574 तो श्री कृष्ण ने जो कहा है वो है ना। 85 अर्जुन ने सवाल पूछे हैं और 40 संजय के हैं और एक धृतराष्ट्र का है। तो भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? तो श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है उसमें, और अर्जुन ने कितने सवाल पूछे? 40 श्लोक संजय के और एक श्लोक धृतराष्ट्र का। ठीक है, विल्किंस ने इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया था। दुनिया की लगभग अभी तक 180 भाषाओं में भगवद गीता ट्रांसलेट हो चुकी है। भारत की पहली रचना है जो सबसे ज्यादा अनुवादित हुई है। इसलिए कभी किसी को देनी पड़े तो गीता, भगवत गीता, गीता नहीं भगवत गीता। ठीक है, श्री कृष्ण ने भी, सॉरी बाल गंगाधर तिलक ने भी गीता रहस्य इस पर टीका लिखी ना, अरविंद घोष ने भी इस पर टीका लिखी, राधा कृष्ण ने भी इस पर टीका लिखी। तो भारत के जितने भी मूर्धन्य विद्वान हुए हैं इस पे सबने अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो मुझे ये बताओ, पहली टीका किसने लिखी? आखिरी तो अभी अपन कर नहीं सकते ना, जब तक युग रहेगा इस पर टीकाएं लिखी जाएंगी। पहली टीका किसने लिखी? लिखो श्रीमद् भगवद गीता, अलग से लिखो, इसमें हेडिंग लिखो, इसी में ही, महाभारत में ही, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवत
गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यह महाभारत का ही हिस्सा है, यह महाभारत के ही भीष्म पर्व का हिस्सा है, ऐसे लिखो ना, यह महाभारत के ही भीष्म पर्व का हिस्सा है, इसमें 18 पर्व हैं, अच्छा 18 अध्याय हैं पर्व नहीं, इसमें 18 अध्याय हैं, पर्व तो महाभारत में है, इसमें 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं, इनका वो बंटवारा कर दो, 574 श्री कृष्ण, 85 अर्जुन, 40 संजय के और एक धृतराष्ट्र का, हो गए क्या 700? कैलकुलेट करो देखें, ओके लिख दिया। यह हिंदू नीति शास्त्र का आधार स्तंभ है। अभी पीछे रह गए क्या? कोई नहीं तो लिखो आराम से, ऐसे बता दिया करो भाई हम पीछे रह गए। यह हिंदू नीति शास्त्र का आधार स्तंभ है। यह हिंदू नीति शास्त्र का आधार स्तंभ है। गांधी जी ने इसे विश्व जननी माता कहा, संसार को जन्म देने वाली। गांधी जी ने इसे विश्व जननी माता कहा, संसार को जन्म देने वाली मां। है क्या इसमें भगवत गीता में? इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। जो महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले, जो महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में दिए गए थे, महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में दिए गए थे। ठीक है, वो जब ये जीत जाते हैं तो माता गांधारी के पास जाते हैं ना, और गांधारी आते ही क्या कहती है इनसे, तो ही वो है जिसने ये सब, तू चाहता तो, इसलिए जैसे तूने मेरे कुल का नाश करवाया है वैसे ही। तो श्री कृष्ण ने कहा, माता मैं यही तो लेने आया था यहाँ, ये श्राप लेने ही तो आया था मैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कुल भी वहां पहुंच गया है जहां आपका कुल पहुंच गया था, तो इससे आगे की अवस्था क्या है? विनाश की अवस्था है। तो जैसा कौरवों में हुआ वैसा ही यदुवंशियों में हुआ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो। आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता पर पहली टीका लिखी। आदि शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता पर पहली टीका लिखी। तब से लेके अब तक भगवत गीता दुनिया की 180 से अधिक भाषाओं में
तब से लेके अब तक भगवत गीता दुनिया की 180 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। ठीक है, दुनिया की 180 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। अपन ब्रिटिश भारत में शिक्षा पढ़ेंगे ना, वहाँ ये सब आएंगी। विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। ठीक है, तो रामायण, महाभारत, पुराण, पुराण, तो पुराण का मतलब क्या है? पुराना। और पुराण अंतिम तौर पे गुप्त काल में संकलित हुए। इनके रचनाकार लोमहर्ष और उग्र सर्वा को माना जाता है। पुराणों को भविष्यदर्शी और विश्वकोश कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें विभिन्न वंशों की वंशावलियां हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से मौर्य और विष्णु पुराण से, लेकिन ये फुल प्रूफ बात नहीं है। ये विष्णु पुराण से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, पता नहीं ये क्यों इन्होंने जबरदस्ती प्रचलित कर दिया है। ठीक है, लिखो पुराण। इसका शाब्दिक अर्थ है पुराना, इसका शाब्दिक अर्थ है पुराना। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराना। ये अंतिम तौर पर, ये अंतिम तौर पर गुप्त काल में संकलित हुए ये अंतिम तौर पर गुप्त काल में संकलित हुए लोमहर्ष और क्या लिखा है, लोमहर्ष और उग्र सर्वा को इनका रचनाकार माना जाता है। लोमहर्ष और उग्र सर्वा को इनका रचनाकार माना जाता है। इन्हें भविष्यदर्शी और विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इनमें विभिन्न वंशों की, इन्हें भविष्यदर्शी और विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इनमें, इन्हें भविष्यदर्शी और विश्वकोश कहा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न वंशों की वंशावलियां हैं। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। अमर सिंह के अमरकोश व्याकरण में विषय वस्तु के आधार पर इनका विभाजन पांच भागों में किया गया है।
पांच भागों में किया गया है। पैराग्राफ चेंज कर दो। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है जिससे मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है जिससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बस एक ही बात याद रखो, ये बात सही नहीं है। ये पता नहीं क्यों इन्होंने लोकप्रिय कर रखी है कि वायु पुराण से मौर्य की जानकारी मिलती है तो गुप्तों की भी मिलती है, विष्णु पुराण से गुप्तों की जानकारी मिलती है तो मौर्यों की भी मिलती है। तो अपने तो एक ही ध्यान रखो, कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन कौन सा है? तो गुप्त काल में रामायण, महाभारत और पुराण अंतिम तौर पर संकलित हुए। अब लिखो षट दर्शन, छह दर्शन, षट दर्शन, छह दर्शन। अब इतनी देर से कहानी सुन रहे थे तो लिखो भी तो सही तुम, क्या एक लाइन लिख के ही चले जाओगे क्या? भारतीय दर्शन परंपरा में कितने दर्शन है? छह दर्शन है, छह। और वो अंतिम तौर पे कब लिखे गए? गुप्त काल में। भारतीय दर्शन परंपरा में छह दर्शन माने गए हैं और उनका संकलन कब हुआ है? गुप्त काल में। देखो, एक तो है सांख्य और एक है योग, ये जोड़ लें, ट्विन है, ये ट्विन है ना, ट्विन। और न्याय और वैशेषिक, ये भी ट्विन है, ठीक है। और फिर है मीमांसक, मीमांसक दो, पूर्व और उत्तर। तो भारतीय दर्शन परंपरा में युगल दर्शन कितने हैं? तीन। अरे दो दो के जोड़े कितने हैं? तीन। वैसे ओवरऑल कितने हैं? तो सांख्य और योग एक ही है, न्याय और वैशेषिक एक ही है, और मीमांसक एक ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, 99% चीजें एक ही हैं। तो जब पूछे सवाल युगल दर्शन कितने हैं तो पहला ऑप्शन छह आएगा, कहीं तुम आंख बंद करके ये लो एक का फाइल तो हम यहीं, हाँ बाद में देखेंगे क्या रहेगा। ओवरऑल तो छह हैं और युगल कितने हैं? देखो सांख्य सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? कैसे पता चला? हमारे राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में, ऐसे तो श्रीमद् भगवद गीता इसका उल्लेख करती है। भगवत गीता किसका उल्लेख करती है? सांख्य का। जब बुद्ध ने घर छोड़ दिया था तो वो कहां गए थे? उरुवेला है ना, बौद्ध गया, हमें जो आज गया, गया जो आज बौद्ध गया बना दिया इन्होंने, वहीं तो है ये। तो यहां एक तो वो आलार कलाम के पास गए, दूसरे उद्धक रामपुत के पास गए, और ये दोनों अंकल कौन थे? सांखाचार्य थे। इतने सारे एग्जाम्पल हैं तो पता चल गया ना सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य है। और फिर बाबा रामदेव हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि, जिनका मेला लगता है अपने बीकानेर में। और योग के कौन है? पतंजलि। ये अभी मौसम जोरदार हो रखा है, तुम्हारा बाहर घूमने का मन कर रहा है ना, तो इस पे कंट्रोल करना ही क्या है? योग है ना। चित्त में जितने भी विकार आते हैं इन सब पे कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है।
तो पतंजलि ने इसके लिए योग दिया कौन सा? अष्टांगिक योग। और इस बात का क्रेडिट बाबा रामदेव को निश्चित तौर पर देना चाहिए कि उन्होंने हमारी एक प्राचीन परंपरा को घर घर नहीं दुनिया में पहुंचा दिया, है ना। अब तो तुम ये नौकरी लगते ही ये सारे पैसे वो गौशाला में डोनेट करना हर महीने। दिन भर अमीरों की आलोचना करोगे, बनोगे क्या अमीर? हाँ, कि वो क्यों नहीं करेगा व्यापार, क्यों फ्री में सेवा देगा? अपन ने किसको दे दी आज तक फ्री में सेवा? मतलब प्रशंसा तो नहीं करते हो कि हमारी अभी कितना बढ़िया रहता वो एलोवेरा जूस का डिब्बा तुम 1500 रुपए में मार्केट से लेके आते तब तो खुश रहते, क्योंकि वो MNC बेचती ना। अब वो 150 रुपए में बेच रहा है, तुमको बड़ी दिक्कत है कि नहीं हमारे पास 1500 रुपए, हम 1500 ही दे के लाएंगे। तो समझते ही नहीं हो। तो मिलावट तो क्या है, शुद्ध तो वहां मिलेगा कैलाश पे, चीन से कैलाश को लो एक बार, है ना। तो ये जो न्याय है और वैशेषिक का ये भी क्या है, युगल दर्शन है, एक जैसे ही हैं। वैसे ओवरऑल तो 6 हैं, वैसे युगल में कितने हैं? 3 हैं। मैं 2005-06 की बात है, तब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था महाराजा में, तो मैं एक कहीं मीटिंग में गया था तो एक आदमी बोल रहा था खूब बड़ा बड़ा खूब ज़्यादा, अभी जीवित है वो व्यक्ति, मैंने तो आतकड़ में भी बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना भाषण पूरा किया, फिर उन्होंने मेरे से कहा कि हाँ बोलो, मैंने कि मैं भी कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पता है क्या कहा, 15-17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि कुछ कहने के लिए पहले काबिल, कुछ कुछ कहने के लिए पहले उस स्थिति में आओ कि लोग तुम्हारी बात सुने। ये बात लगातार मेरे कानों में गूंजती रहती है। एक ही जवाब दिया, वन लाइनर, कि कुछ कहने के लिए पहले इतनी हैसियत अर्जित करो कि लोग तुम्हारी बात सुने। तो हम क्या है कि ये हमारी क्या है कि ये जीभ बहुत तेज चलती है ना, फटाफट कोई दिक्कत नहीं है, और काम हमारा जीरो पे है। तो न्याय है गौतम का, न्याय किसने दिया? गौतम ने। और गौतम ने, नींद आ रही है ना, तो सो जाऊंगा फिर मैं, उबासी ले रही है, ठीक है। तो गौतम ने न्याय दिया, और भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर का सबसे ज्यादा महिमा मंडन कहां हुआ है? तर्क का भी सबसे ज्यादा विवेचना कहां हुई है? इतना भारतीय दर्शन परंपरा में अगर तर्क का किसी ने महिमा गाई है तो वो कौन है? न्याय है, ठीक है। शंकराचार्य, सॉरी आदि शंकराचार्य इतने प्रभावित हुए इससे कि इन्होंने कह दिया ये तो प्रधान मल्ल है, सबसे बड़ा पहलवान है। ये तर्क को बढ़ावा देने के कारण इसे कहा गया आन्विचिकी, अन्वेक्षण से बनाए खोज, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल आएंगे। वैशेषिक, विशेष पदार्थ पे जोर दिया, विशेष पदार्थ, स्पेशियल कुछ था, और स्पेशियल था वो कणाद के पास, है ना, जो खेतों में जाके अपना भोजन उल्लू की तरह इकट्ठा करते थे, इसी उल्लू के कारण उनका दर्शन कहलाए औलूक्य। और ये विशेष पदार्थ था परमाणुवाद, ब्रदर फोर्डे ने भी इसका उल्लेख किया, बढ़िया है ना। उस जमाने में कोई ऐसा हो जाता रामदेव जैसा तो परमाणु सिद्धांत का जन्म जाता, वैसे सिक्को बना दिया जाता। लेकिन हम हमारी ये अमेरिका ने नीम पे भी पेटेंट ले लिया, फिर भारत ने प्रतिक्रिया की, फिर छूटा वो, हल्दी पे भी पेटेंट ले लिया। तो तुम अपना एक आदमी चीजों को आगे बढ़ा रहा है, तुम उसकी प्रशंसा मत करो, अपन केकड़े ही बने रहेंगे, टांग खींचेंगे नीचे, तू आ कैसे चला गया। तो एक बात, राष्ट्रवाद है ही नहीं इस देश में, अनुशासनहीन है हम लोग, राष्ट्र की बात करेंगे ही नहीं, और फिर कहेंगे इतनी बेकार व्यवस्था है। व्यवस्था में सहभागी तो बनो आप लोग, तो बताओ हमारी अच्छी चीजों का क्रेडिट नहीं है हमारे पास? हम परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता किसको मानते हैं? रदरफोर्डे को, है ना। और वो कब आ गया था? गुप्त काल में, उससे पहले आ गया था। खुद रदरफोर्डे ने यह बात कही है कि मेरे से पहले ये बात कौन दे चुके हैं? कणाद, उलूक, औलूक्य। तो आण्विक दर्शन कौन सा है? न्याय। तर्कशास्त्र को बढ़ावा किसने दिया?
और औलूक के दर्शन कौन सा है? आदि शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रधान मल कहा? ये तो वर्ल्ड फेमस है, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ठीक है। और सांख्य दर्शन का उल्लेख कहाँ है? और बहुत ग्रंथों में। फिर है मीमांसक, तो यहां तक पहुंचते हैं। पहले ये लिखो चार। भारतीय दर्शन परंपरा में छह दर्शन माने गए हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में छह दर्शन माने गए हैं, परंतु युगल रूप में ये तीन ही हैं। परंतु युगल रूप में ये तीन ही हैं। ये लिस्ट बनाओ तीन की, कैसे ध्यान रहेगा युगल कौन कौन से हैं? सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, और मीमांसक, पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक। लिख दिया, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक। पहला लिखो सांख्य दर्शन। लिख दिया सबने? पीछे रह गए? क्या शिवाजी भी तो है ना, छत्रपति शिवाजी भी तो है ना सिलेबस में? हाँ है? पढ़ाई नहीं सिलेबस? सिलेबस बहुत बड़ा है, कहाँ है बड़ा? अभी तो बड़ा तो ऐड ऑन होएगा, अभी रुको सही 5-7 दिन और, निश्चित तौर पे सिलेबस में चीजें ऐड होंगी। देखो एक चीज आप मन से स्वीकार करो कि ये साइंस, ये गणना है ना, ये कैलकुलेशन, ये जन्म के पहले से शुरू होती है। अभी संस्कार बताऊंगा मैं 16 है ना, ये कैलकुलेशन जन्म के पहले से शुरू होती है और जन्म के मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद तक, तो ये मैं कभी नहीं हटाएंगे, ये तो श्योर हूं मैं, कभी नहीं हटाएंगे मैथ, अंग्रेजी कभी नहीं हटाएंगे, साइंस कभी नहीं हटाएंगे, और रीजनिंग तो रीजनिंग है, हाँ रीजनिंग हट जाएगी तो हमारे वो महेंद्र जी बुरा मान जाएंगे। ऐड करेंगे चीजें, इनका ये मानना है कि फर्स्ट ग्रेड को आईएएस के लेवल पे लेके आओ, तो ये जी इसमें हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। ये पहले ही जो जो अपने कल्चर है ना, आप आईएएस मेंस का पेपर देना, उसमें पहला पेपर आता है, उसमें भारतीय कला और संस्कृति के 100 नंबर के सवाल आते हैं, वो पूरा यही है। आप इसे पढ़ो फिर देना एग्जाम, यानी एग्जाम बाहर में जाने दो, पेपर देखो ना पिछले, आप कहोगे कि हाँ हम कलम चलाने की स्थिति में हैं, नहीं तो वहां सवाल ये आता है कि कलम नहीं उठती कि मैं लिखूं क्या इसमें। आरपीएससी में ये दिक्कत है, आरएस मेंस में सब आता है, मैं पूरा कैसे करूं, और आईएएस में दिक्कत ये है कि मैं लिखूं क्या, उल्टा है कॉन्सेप्चुअल, सवाल ही नहीं समझ पाओगे कि ये पूछ क्या रहा है अंकल। तो इसमें ये और खूब ऐड करेंगे, तो तैयार रहो। सब्जेक्ट में भी खूब सारी चीजें ऐड करेंगे, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री में कई सारी चीजें सेकंड ग्रेड में डाल दिया, तो वो चीजें वहां से डाल दिया, तो फिर वहां भी तो ऐड करेंगे ना, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। हमेशा परिवर्तन के हमेशा समर्थक रहो, क्योंकि वही लोग आगे जीवित रहते हैं जो परिवर्तन के साथ उठ जाते हैं, और जो कहते हैं कि अंग्रेजी लागू नहीं होने देंगे, वो 1835 में भी कह रहे थे, वो 2022 में भी कहेंगे, और वो मतलब 3535 में भी कहेंगे कि अंग्रेजी लागू नहीं होने देंगे। तो परिवर्तन के हमेशा समर्थक रहो और उसके साथ मूव करो, क्योंकि आप अगर उसके साथ चल गए तो सबसे जल्दी सफल होगे। ये चीज हमको यूपीएससी से सीखनी चाहिए कि हर 5वें साल वो चेंज कर देती सिलेबस में, तो वो आदमखोर जो गुफाओं में रहते हैं वो अनशन करते रहते हैं, वो अभी भी अनशन कर रहे हैं वहां, और जो नए बच्चे आते हैं वो फटाफट आगे निकल जाते हैं। ठीक है,
तो हालांकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होने, पहले इतने सारा सिलेबस है ये, और क्या छत्रपति शिवाजी मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ अब ये कला पढ़ाएंगे पहले, फिर उधर चलेंगे। लगातार कम सुनता हूँ मैं, ज़ोर से बोला करूँ। सांख्य, हाँ मतलब 15 ही घंटे में पढ़ाएंगे छत्रपति शिवाजी, 10-12 घंटे। तो यूट्यूब पे मैंने मैंने एक शब्द नहीं लिखाया तब, वीडियो डल पड़े हुए हैं लास्ट में। नहीं नहीं मैंने जितने टाइम बोला उतने में हो जाएगा, तनाव फ्री रहो। जैसे कोई टॉपिक आपको बड़े लग रहे हैं तो कई सारे ऐसे हैं जो बस छूते ही खत्म हो जाएंगे। चौबीस तारीख बहुत दूर है मैडम, बहुत दूर है, उससे पहले गंगा में बहुत पानी बह जाएगा, है ना। आप मेरे मेरे हैंड पे चीज़ें मेरे हैंड पे रहने दो, ठीक है ना। और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, अपनी क्लास लगातार चलती रहेगी और सब्जेक्ट आते रहेंगे। और हाँ अभी महेंद्र जी आए, वो चले जाएंगे, तो लिखो सांख्य दर्शन लिखो। आप सबसे पहले दिमाग से ये प्रेशर हटा दो कि ये होएगा नहीं, ये निश्चित तौर पे 24 तारीख से पहले हो जाएगा निश्चित तौर पे। और दोबारा तुमको ये पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी कहीं भी। क्या विशेष है, वो छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी इनकी, टीचर नहीं है ना तू, अगर टीचर होता तो पता होता। टीचरों को एक ही चीज़ तो पता है, कैलेंडर लिखो। यह इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। प्रिया डिटेल आएगी ना, 5-5, 6-6 लाइनें। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, यह सबसे प्राचीन दर्शन है, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, भगवत गीता और भगवत गीता और बौद्ध धर्म में सांख्य दर्शन का उल्लेख है, भगवत गीता और बौद्ध धर्म में सांख्य दर्शन का उल्लेख है। यह सबसे प्राचीन दर्शन है, अच्छा लिखा दिया नहीं तो, भगवत गीता और बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख है। बीकानेर के कौलायत में, बीकानेर के कौलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, यह पुरुष और प्रकृति नामक दो पदार्थों को ही स्वीकार करता है, यह पुरुष और प्रकृति नामक दो पदार्थों को ही स्वीकार करता है। यह पुरुष और प्रकृति नामक दो तत्वों को ही, तो द्वैतवादी हो गए ना, है ना। हालांकि अपने वहां तक नहीं पहुंचेगा सवाल, अपने ज्यादा से ज्यादा प्रवर्तक बस और ईश्वर को नहीं मानता है। जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक, जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक, ठीक है। और आस्तिक में भी जो ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं वो सगुण, और जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते हैं और समझ गए ना, तो आस्तिक भी दो हैं, सगुण और भक्ति, है ना। अपने किसको, नहीं नहीं क्या था, रूढ़िवादी दर्शन 6 शाखाओं के नाम, तो रूढ़िवादी क्यों कहेंगे इनको, हैं। हाँ सवाल तो था, ये पहला सवाल है, ध्यान मेरे को।
भारतीय आंसर तो यही है ना, षड् दर्शन तो यही है ना भाई, प्राचीन दर्शन है। इस चक्कर में, इस अर्थ में रूढ़िवादी कह देते होंगे। बाकी जब चावार्क ने ये कहा यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मी भूतस देहस पुनरा आगमन कुत्वा, फिर यही थे जिन्होंने बचा लिया, तो फिर रूढ़िवादी कहाँ हुए? तो ऐसे ये लिख देते हैं ऐसे रूढ़िवादी, प्राचीनता के रूढ़िवादी शब्द का अर्थ प्राचीनता में भी तो आता है, और अपन रूढ़िवादी समझते हैं कि जो परिवर्तन का विरोध करे। तो ऐसे अच्छा आप यही बताता हूँ एक बात रुको। अब ये तो छह दर्शन है ना, देखो अपने सिलेबस में 18 टॉपिक, कितने टॉपिक हैं इस बुकलेट में देखना जीतू, 17 हैं, 17 टॉपिक हैं है ना। तो क्या होता क्या है कि हम लोग क्या बहुत चालाक लोग हैं, चालाक टीचर्स हैं ना, और हम तो एक टॉपिक अच्छा पढ़ा दिया, दो टॉपिक अच्छे पढ़ा दिए, तीन टॉपिक अच्छा पढ़ा दिया, और फिर तुमको बोतल में डाल दिया जिन ख़त्म, यही तो होता है ना। ऐसा नहीं होता है, जैसे पहले पिक्चर शुरू हुई है ना लास्ट तक वहीं तक चलेगी पिक्चर, वैसे ही उसका कोई तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे पहले दिन पहली क्लास पढ़ाई थी ना मौर्य, आखिरी क्लास भी वैसी ही पढ़ाई जाएगी, वैसे ही। जिस दिन पढ़ाने का मन नहीं होगा ना तो मैं तुमसे यहाँ कह दूँगा आज नहीं पढ़ेंगे, बाकी पढ़ाएंगे पूरी एनर्जी से, जितना जानते हैं वो सब हर चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। जैसे चार्वाक था, जैसे ये ईश्वर को नहीं मानता तो नास्तिक हुआ ना, ईश्वर को नहीं मानता ना तो नास्तिक हुआ। चार्वाक ने क्या किया, ईश्वर को भी नहीं माना, ईश्वर की नहीं है कि वेद कि ये ब्राह्मणों की, ऐसे उसने बहुत उल्टा बोला, मैं थोड़ा सा सलीके से बोल रहा हूँ कि ये ब्राह्मणों की आजीविका अर्जित करने के धूर्त लोगों के ग्रंथ है, तो उसने वेदों को भी नहीं माना, उसने आत्मा को भी नहीं माना। तो आत्मा को नहीं मानोगे तो पुनर्जन्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना, इसलिए चार्वाक को कहा गया नास्तिक श्रोमणी। तो नास्तिक तो ये भी है ना, लेकिन ये किस अर्थ में, ईश्वर को नहीं मान रहा, वेदों को तो मान रहा है ना, वेदों को तो मान रहा है, आत्मा को तो मान रहा है ना, पुरुष और प्रकृति, यहां पुरुष क्या है, आत्मा है, यहां पुरुष क्या है, आत्मा है। अब मैं तो क्या, मेरी आदत खराब है तो मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री वाले, इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि किसकी बात है, पूरी दर्शन की बात है ये पूरी, तो इसमें दिक्कतें आएंगी ना, अब बतानी पड़ रही है ना फालतू बातें। तो ये पुरुष और प्रकृति दो को मानते हैं, तो यहाँ प्रकृति तो संसार प्रकृति है, नेचर, पुरुष क्या है, आत्मा है, पुरुष क्या है, आत्मा है। तो ये आत्मा को तो मान रहे ना, केवल ईश्वर को नहीं मान रहे, वेदों को भी मान रहे ना, इसलिए केवल क्या है, ये भी तो ईश्वर को नहीं मान रहे, ये भी तो। मैंने YouTube पे एक वीडियो डाल रखा है कुमारिल का आत्मदाह है ना, हालांकि अपन बताने की कोशिश मैं सारी करूंगा, लेकिन फिर भी कोई छूट जाए तो फिर देख सकते हो। तो आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बौद्धों से जो बचाया, तो हम शंकराचार्य को तो क्रेडिट दे दिए, उनके नाम के आगे आदि लगा दिया, लेकिन हम हिंदू जो एहसान फरामोश हैं, हम कुमारिल को भूल गए। कुमारिल की वजह से ही तो शंकराचार्य बौद्धों को पराजित कर पाए थे, कुमारिल ने खुद को जीवित जला लिया था। तो ये मीमांसक ये भी ईश्वर को नहीं मानते, तो केवल नास्तिक है। लेकिन चार्वाक तो क्या है, सबसे बड़ा नास्तिक है, क्या है वो, नास्तिक श्रोमणि है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपने षट दर्शन में चार्वाक नहीं है, तो इसलिए अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। वो तो जैन और बौद्ध अगर अपने सिलेबस में होते, जिनकी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है, हाँ जैन और बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पे प्रभाव ऐसे आएगा, अभी बता देता हूं मैं एडिंग। फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप चले जाओगे तो हम ये टॉपिक YouTube पे फ्री में रिलीज कर देंगे। लिखो तो सांख्य हो गया ना, अरे वो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में, और उनको सिलेबस में शामिल नहीं कर रखा है, लॉजिक है उनको जोड़ने के पीछे। दूसरा क्या है, योग, योग पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं, पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं, चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण पाना ही, चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग कहलाता है।
चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है, योग। ठीक है, पतंजलि ने अष्टांगिक योग का सिद्धांत दिया, अष्टांगिक योग का सिद्धांत दिया। कितने प्रकार का योग बताया? आठ प्रकार का। ठीक है, फिर लिखो, अरे वो चरवाक, ये दर्शन में ऐसे आता है, जहां जहां दुआएं वहां वहां आ गए। एक कथन आता है, पर्वत पर आ गए, पर्वत पर दुआएं, है ना, पर्वत पर दुआएं या पर्वत पर आ गए, इंटरचेंज कर लो ना। पहला पर्वत पर दुआएं, दूसरा कहेगा पर्वत पर आ गए, फिर निष्कर्ष निकलेगा जहां जहां दुआएं वहां वहां आ गए। चरवाक ने बोला कि इधर आ, कि हाँ बताओ, कि क्या कहा तूने, जहां जहां दुआएं वहां वहां आ गए, कि हाँ। श्याम से कहा कि वो लकड़ी लेके आना एक, ये लेके आया। इससे कहा जीतू से कि वो पानी लेके आना, ये पानी की बाल्टी लेके आया, कि डाल इस पे, कि ले लाइटर लगा, क्या होएगा बोलो ना, क्या होएगा, धुआं होएगी ना, आग नहीं जलेगी ना, कि अब बता धुआं है कि आग है, कि ये तो अपवाद है, तो इसमें लिखना ये अपवाद है, ऐसे क्यों कह रहा है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो इसने इतना भीषण प्रभाव किया भारतीय दर्शन परंपरा को, अगर न्याय नहीं होता तो ये षट दर्शन होते ही नहीं। तो न्याय ने रोका चारवाक को, ठीक है। हालांकि चारवाक वाले ये कहते हैं कि चरवाक साहित्य उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, क्योंकि सब ने मिलके उसके सारे ग्रंथ जला दिए, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो आराम से, है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तुम्हारे पास पास में घी नहीं है तो सामने वाले दुकानदार के पास जाओ कि ले घी दे दे 10 किलो, और लेके आ जाओ कि पैसे की कल दे देंगे, कि भस्मी भूतस्य देहस्य, भस्मी भूतस्य देहस, कि मरने के साथ ही ये शरीर राख में बदल जाएगा, पुनरागमन कुत्वा, किसने देखा दोबारा जन्म होएगा, और तुमने इस दुकानदार से लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से घी लिया है और ये तुमसे घी वसूली करने के लिए अगले जन्म में आएगा। तो पुनर्जन्म जो नींव है सनातन धर्म की, झटके से उड़ा दी इसने, कि है कोई जो ये कहे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इसने जीव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया उसमें मात खा गया ये, कि फिर अगर ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये जन्म कैसे हुआ। कि मैं बताऊं कैसे हुआ, क्या बताओ, कि पान की दुकान पे गए हो, कि हाँ, कि पान कितनी चीजों से मिलके बनता है, कि हाँ पान वो पत्ता चाहिए, सुपारी चाहिए, और मैं पान खाता नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या क्या आता है ना, चूना और हाँ मैं रियली पान खाता नहीं हूँ, मैं बता देता, तो ये कत्था, चूना और पत्ता और ये सुपारी, ये इतनी सारी चीजें डलती है ना, सबका अलग रंग अलग अलग है। अब पान को चबाओ और फिर थूको, अलग रंग आएगा ना। तो ये उसने जीव की उत्पत्ति की थ्योरी दी, इसलिए खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम में सुधार करवा गया, और हम तो ऐसे लोग हैं कि हमारी आलोचना करो हमको अच्छा लगता है। अरे जैन और बौद्धों ने आलोचना की ना, चरवाक ने आलोचना की ना, सांख्य भी ईश्वर को नहीं मान रहा ना, तो हमने आलोचना स्वीकार की और हमने अपने में सुधार किया। लेकिन अब अगर तुमने आलोचना की तो धारा 124A, हाँ, राजद्रोह, ठीक है। तो लिखो, योग में योग हो गया ना पूरा, तो अब लिखो, तो और क्या फिलोसफी पढ़ोगे क्या, मेरे से क्या चाहते हो, तो न्याय लिखो, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। गौतम ऋषि इसके प्रवर्तक हैं, आरएस में है ये सब, पेपर है अलग से एथिक्स का। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम मेंस दो तो फीस जमा कराना हमारे पास, फिर कितना 70 नंबर की आएगी ना, 50 नंबर दिला देंगे हम। इसके प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि हैं। दर्शन अलग से कोई विषय नहीं है, ये इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। इन्होंने उसमें से चार चीजें निकाल के कहा कि मैं फिलोसफी पढ़ाऊंगा,
तो फिर क्या किया जा सकता है? तो जैसे अपन पता है अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि अपन अंग्रेजी में सोच नहीं पाते हैं। अपन कहेंगे ना कि भाई इंग्लिश बना, तो पहले सेंटेंस बनाएंगे कि राम स्कूल जाता है, हिंदी में सोचेंगे ना, इसलिए अपन अंग्रेजी नहीं बोल। और अगर अंग्रेजी बोलेंगे भी तो अभी सामने वाला पहचान जाएगा कि ये हिंदी मीडियम का है। और जसवंत सिंह जी जसोल थे, जिनकी मृत्यु हो गई, अपने राजस्थान के हीरो थे वो, तो वो इसी समस्या से जूझ रहे थे, है ना। उन्होंने फिर ऐसी अंग्रेजी सीखी कि दुनिया के महान लोगों की अंग्रेजी में शामिल हैं वो, है ना। और आजकल अपने अंग्रेज फुली अंग्रेज है एक शशि थरूर, पर लोग उसकी आलोचना करते हैं। और दो दो अंग्रेज और हैं, नीली पगड़ी वाले, नीली पगड़ी दो ही तो थी, 10 साल दो नीली पगड़ी थी देश में, तुमको ध्यान ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी और मोंटेक सिंह जी, उनकी भी सुप्रीम इंग्लिश है, उनकी भी बेहतरीन इंग्लिश है, ठीक है ना। मनमोहन सिंह जी जब चले जाएंगे तब पता चलेगा देश ने क्या खोया, अभी तो क्या है वो जीवित है ना, तो हम उनकी आलोचना करते हैं। तो गौतम ऋषि इसके प्रवर्तक हैं, इन्होंने तर्क शास्त्र को बढ़ावा दिया, इन्होंने तर्क शास्त्र को बढ़ावा दिया। इसे आन्वीक्षिकी दर्शन कहा गया, बोर्ड पे लिखा हुआ है आन्वीक्षिकी, इसे आन्वीक्षिकी दर्शन कहा गया। आदि शंकराचार्य ने इसे प्रधान मल्ल कहा, सबसे बड़ा पहलवान। आदि शंकराचार्य ने इसे प्रधान मल्ल कहा, सबसे बड़ा पहलवान कहा। भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर का सबसे ज्यादा महिमा मंडन इसी दर्शन में हुआ। भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर का सबसे ज्यादा महिमा मंडन भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर का सबसे ज्यादा महिमा मंडन इसी दर्शन में हुआ। हो गया न्याय। अब लिखो वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद इसके प्रवर्तक हैं, ये खेतों से अपना भोजन, ये खेतों से अपना भोजन उल्लू के रूप में लेते थे, उल्लू के रूप में एक एक दाना चुगते थे। ये खेतों से अपना भोजन उलूक के रूप में लेते थे। इसी कारण से इसे औलुक्य दर्शन कहा गया, ऋषि कणाद को परमाणु सिद्धांत का पहला व्याख्याकार, माना जाता है। ऋषि कणाद को परमाणु सिद्धांत का पहला व्याख्याकार माना जाता है। देखो चार हो गए ना, दो हैं मीमांसक,
मीमांसा जो शब्द है इसका अर्थ है, मीमांसा में दो दर्शन है ना, एक एक तो है, पहला वाला तो क्या है, पूर्व मीमांसक, और दूसरा क्या है, उत्तर मीमांसक। देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझो, वेदों के कितने प्रकार हैं, वेदों के कितने भाग हैं बताओ, कौन कौन से? तो बता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये वेदों के भाग हैं। मुझे ध्यान है जब मैंने एक ये पीसीएस दिया था राजस्थान वाला, तो पहला ही सवाल था ये वेदों के भाग हैं, तो मैंने लिखे ये, मैंने बाहर निकल के अपने दोस्तों से पूछा, मैंने यार वो मेरे से पूछा उन्होंने क्या लिखा तूने, मैंने वो लिखा संहिता ब्राह्मण, पागल ही रहेगा तो तेरे आज कभी समझ में ही नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि उसमें था ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, मैंने माथा पकड़ लिया वहीं, मैंने कहा यार गलत हो गया सवाल, हैं सही था मेरा सवाल, तो मेरे को वो ब्लैकमेल कर रहे थे, सवाल क्या पूछा था, वेदों के भाग, और वो क्या करके आए थे, वेदों के प्रकार। अब वो तो कॉपी ये पेपर देते नहीं है ना, वो तो बाद में पता चलता है। तो एक बार वो हिटलर कहता है ना, सामने वालों की आंखों में आंखें डाल के सीना तान के अपने झूठ को 100 बार दोहराओ, सामने वाले का अपने सच से भरोसा उठ जाएगा। तो वेदों के प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद हैं, वेदों के भाग। वेदों का पहला भाग कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा? ऋग्वेद का पहला भाग भी यही है, यजुर्वेद का भी यही है, सामवेद का भी यही है, और तो प्रत्येक वेद का पहला भाग कौन सा है और प्रत्येक वेद का अंतिम भाग क्या है? क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम पार्ट हैं, है ना, उपनिषदों में ब्रह्मा की व्याख्या की गई है, उपनिषदों ने मोक्ष का कॉन्सेप्ट दिया, इन तीन चीजों के कारण उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषद वेदांत इसलिए नहीं कहलाते कि ये वेदों के आखिरी पार्ट हैं, अपितु इनमें अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की विवेचना की, मोक्ष उपनिषदों की देन है, ठीक है, इन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की, तो ये तीन चीजों के कारण उपनिषद क्या कहलाते हैं, वेदांत। देखो अब ये संहिता और जो ब्राह्मण है, इनमें कहा गया है कि हे राजन आपको स्कूल लेक्चर बनना है तो आप यज्ञ करो, आप क्या करो, यज्ञ करो। तो भीषण दिक्कत पैदा हो गई, इन्हीं की प्रतिक्रिया से ही तो जैन और बौद्धों का उदय हुआ। तो फिर सुधार शुरू किया हमने और उपनिषदों में कहा आपको अगर आरएस बनना है तो आप क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। तो ज्ञान की महिमा पहले अरण्यक में और सबसे ज्यादा उपनिषद में गाई गई, इसलिए ये दो ज्ञान प्रदान है, ये दो। तो पूर्व मीमांसक जो हैं वो कर्मकांड पे बल देते हैं, तो वेदों के कौन से पार्ट हैं ये? अरे पूर्व मीमांसक किस पे बल दे रहे हैं, तो ये वेदों में कहां से संबंधित हैं? संहिता और राजा जनक के संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया, उनको एक लड़की जमीन में मिली, जमीन को सीता कहते थे, इसलिए उस लड़की का नाम सीता रखा गया, ठीक है। तो यज्ञ किया तो संतान मिली ना, यज्ञ और फिर परिणाम तुरंत। राजा यज्ञसेन के संतान नहीं थी, राजा कौन सा जानते हो, द्रुपदे, आप जानते हो, आप जानते हैं, राजा यज्ञसेन के संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया जिससे दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न नहीं होएगा पहले, तो द्रौपदी पहले कैसे जाएगी, है ना, दृष्टद्युम्न और फिर कृष्णा, कृष्णा द्रुपद की बेटी होने के कारण वो द्रौपदी कहलाई, नाम तो कृष्णा है उसका, और वो तीसरा वो शिखंडी, ठीक है। तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से फल मिल रहे हैं ना,
तो ये बात कहां बताई हुई है और ये किसकी व्याख्या है? संहिता और इसके प्रवर्तक थे जैमिनी। इसके प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। और जैमिनी के दो महान शिष्य हुए, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र। मिश्र तो इस सनातन परंपरा में जितना योगदान आदि शंकराचार्य का है उससे ज्यादा योगदान कुमारिल भट्ट का है। ये बौद्धों को पराजित नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्होंने जीवित खुद को अग्नि को अर्पित कर दिया था। शंकराचार्य जब प्रयाग पहुंचे तो कुमारिल का यहां तक शरीर जल चुका था, केवल ये सिर बाकी था। तो फिर इन्होंने आदि शंकराचार्य को कहा, आदि शंकराचार्य ने अपना ग्रंथ दिखाया कि महाभाष्य कि ये देखना, तो उसे पढ़ते ही कुमारिल भट्ट की आंखों में आंसू आ गए, जो बात मैं नहीं समझ पाया था वो बात इसको पता है। फिर कुमारिल भट्ट ने आदि शंकराचार्य को आदेश दिया कि तुम जाओ मेरे शिष्य मंडन मिश्र को पराजित करो और फिर तुम बौद्धों को पराजित करो। तो आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ है ना, जिसमें मंडन मिश्र की वाइफ अध्यक्षता करती है, और जब आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र को पराजित कर देते हैं तो वो क्रोधित हो जाती है, पति पराजित हो गए ना। तो आदि शंकराचार्य अविवाहित थे, ब्रह्मचार्य थे, तो उन्होंने फिर शंकराचार्य से कामसूत्र पे सवाल पूछ लिए। कामसूत्र गुप्त काल में वात्स्यायन का कामसूत्र नहीं लिखवाया, वहां लिखो ये बात, सबसे जरूरी चीज लिखाई नहीं है। वो किताब कॉपियों में जोड़ो एक लाइन, अरे जोड़ो फटाफट, तुम पेज ही नहीं निकाल पाते हो। मैं बताऊं कहां मिलेगा, गुप्तकालीन भाषा साहित्य लिखा है ना, हाँ उसमें एक नंबर और जोड़ो, वात्स्यायन का कामसूत्र। अरे बाहर भी लिखा ना, मिल नहीं रहा है तुमको, एग्जाम में कॉपी भी दे दूंगा ना मैं तो भी सवाल नहीं मिलेंगे तुमको, क्यों और क्या, अगर मिल जाएगा तो तुमको याद ही होगा, फिर कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाषा साहित्य में बाहर भी लिखा, बाहर भी के आगे 13वां नंबर लिखो वात्स्यायन, और वात्स्यायन ने क्या लिखा, कामसूत्र। भाई साहब ने विवाह के ऊपर ग्रंथ लिख दिया जबकि खुद अविवाहित थे। हाँ वात्स्यायन का ग्रंथ है कौन सा, बारहवीं के बाद में लिख दिया सबने, है ना, ऐसे चीजें कई बार स्लिप होती हैं तो याद आ जाती हैं, लिख दिया सबने। अब देखो वापस आ जाओ, यहां लिख दिया ना सबने, नहीं लिखा, देखो अब वो है ना, कई बार हम इतना सारा पढ़ लेते हैं एक लाइन भूल जाते हैं और वो एग्जाम में आ जाती है। तो कुमार, अरे शांत हो जाओ, टाइम हो गया कि तुम्हारा, अभी बहुत सारा टाइम बाकी है तुम्हारा, है ना, अभी तुमने जिंदगी में किया ही क्या है। तो कुमारिल भट्ट ने आदि शंकराचार्य को आदेश दिया कि तुम जाओ और मंडन मिश्र को पराजित करो। आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित किया, इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता मंडन मिश्र की पत्नी ने की। अपने पति के पराजित हो जाने से वो क्रोधित हो गई और उसने शंकराचार्य को कहा कि मेरे से शास्त्रार्थ करो। शंकराचार्य ने कहा देवी मैं आपसे कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं, मैं अविवाहित हूं। तो उन्होंने कामसूत्र पे सवाल पूछे शंकराचार्य से, तो शंकराचार्य ने फिर समय मांगा कि मुझे थोड़े दिन, हाँ नहीं मैंने साल मांगे, और फिर वापस शंकराचार्य गए, फिर उसको भी पराजित कर दिया। मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बन जाएंगे बाद में, अभी तो किसके थे। हाँ देखो जबरदस्त कहानी है, वो अपन वहां बताएंगे भक्ति में। तो उत्तर मीमांसक के प्रवर्तक हैं कौन, बादरायण। अब बताओ, अभी तुम वो अपने उस पे टिप्पणी कर रहे थे बाबा रामदेव पे, चलो बाबा रामदेव बेकार आदमी है लेकिन योग तो जगत फेमस हो गया ना। बताओ कितने लोग हैं जो कुमारिल भट्ट को जानते हैं, नहीं जानते ना फिर, और उसी की वजह से आज अपन यहाँ से बैठे हैं। नहीं अपने सब वो गेरुओं कपड़े पहन के और ये सिर गंजा होके और माड़ा रुद्राक्ष लेके और कहते भिक्षाम देई। हाँ निश्चित तौर पे कुमारिल भट्ट के आत्मदाह ने शंकराचार्य को राह दिखाई और शंकराचार्य ने बौद्धों को क्लीन स्वीप करवा के और बॉर्डर क्रॉस करवा दिया, बॉर्डर क्रॉस विदेश में। तो इसमें जो उत्तर मीमांसक हैं
ये किस पे बल दे रहे हैं? ज्ञान पर बल। देखो तो अर्थ लगाना, यज्ञ कर रहे हैं और फल मिल रहा है, अर्थ हो गया ना, ज्ञान तर्क करना। तो मीमांसक के दो अर्थ हैं, मीमांसक शब्द के दो मीनिंग है। पहला तो क्या है, अर्थ लगाना, आपने यज्ञ किया आपको फल मिला ये रहा, और आपने तर्क किया ज्ञान प्राप्त किया। तो इसके प्रवर्तक हैं बादरायण, और बादरायण के शिष्य कौन, गोविंद योगी। बादरायण के शिष्य कौन है, गोविंद योगी, और गोविंद योगी के वो शिष्य हुआ जिसने सनातन धर्म को सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया, आदि शंकराचार्य। बादरायण ने क्या लिखा, ब्रह्मसूत्र, और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पे आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, और एकम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर अद्वैतवाद। किसी के ही समझ में नहीं आया आज तक अद्वैतवाद, बस ये पता है कि अद्वैतवाद, हाँ, एकम सत्यम जगत, एक ही सत्य है कि दुनिया है, नहीं एकम सत्यम ब्रह्म, एक ही सत्य है कि ईश्वर है, जगत मिथ्या, ये दुनिया है ही नहीं, जीवो ब्रह्म ना पर, यानी जीव मनुष्य और ब्रह्म, शंकराचार्य का ईश्वर क्या था, ब्रह्मा जी, दोनों एक ही हैं, ना पर अलग नहीं है। तो बना दो, बनाओगे नहीं क्या, तो ये तुम्हारा भाषा साहित्य हो गया, यही टारगेट था आज की क्लास का। तो गुप्त कला में सबसे बड़ा टॉपिक हो गया, जैसे अपने मौर्य में सबसे बड़ा टॉपिक था वो अभिलेख। अब ईश्वर ने चाहा तो कल ये टॉपिक संपूर्ण हो जाएगा, फिर मुगलों के पास तो क्या है, फटाफट थोड़ा सा काम है, तो ज्यादा माथापोड़ी की जरूरत, लिख लो इससे पहले कि नाम बदल दिए जाएं, इससे पहले कि लाल किला लाल कोट हो जाए, ठीक है ना? भाई कला के अपने तीन ही टॉपिक है ना, और तीनों एक साथ ही पढ़ेंगे अपन, तो तीनों के कम से कम चार सवाल आ जाएंगे।